जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर के पूरी नई कविता तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्जाम की कर रहे हैं, PGT, टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और पूरी रचनाएं दोस्तों आदिकाल की, और पूरी रचनाएं मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा, ठीक है? तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो व्हाट्सएप नंबर दिया है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। और साथियों, आपको चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना है। ज्वाइन मेंबर कैसे बनना है दोस्तों? ज्वाइन मेंबर अगर आप बन जाते हैं तो आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल PDF आदि मिलता रहता है, ठीक है? और दोस्तों, आपका जो कमेंट होता है वो सबसे पहले हमें दिखता है, और आपको एक तिरंगा इमोजी दिया जाता है, ठीक है, जिससे आपका कमेंट हाईलाइट होता है। और लाइव स्ट्रीम भी कुछ ऐसी लाइव स्ट्रीम होती हैं जो दोस्तों केवल ज्वाइन मेंबर को मिल पाती हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और ज्वाइन मेंबर जरूर बने। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो, ठीक है? जिन भी साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? दोस्तों एक चीज बताना, परमाल मतलब क्या होता है? पर मतलब दूसरों का, माल मतलब सामग्री या कुछ भी। तो परमाल और दूसरों का अगर माल चुराना है तो क्या करना पड़ेगा? जगना पड़ेगा। ये चोर लोग क्या करते हैं? दूसरों का माल चुराते हैं, तो वो रात में जगते हैं। जग से बनेगा आपका जगनिक, और क्या चुराते हैं? परमाल। दूसरों का माल चुराते हैं चोर रात में जगकर, तो जगनिक, ठीक है? परमाल चुराना है तो जगना पड़ेगा, तो जगने। परमाल रासो जैसे कि आलाखंड कहा जाता है, और ये दोस्तों इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? जगनेक हैं, ठीक है? सभी लोगों को वैसे पता होगा। अगला है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जब भी आदिकाल की बात आती है दो रचनाएँ पूछी जाती है, एक तो पृथ्वीराज रासो, दूसरी बीसल देव रासो। ये दो रचनाएँ पूछी जाती हैं हमेशा, ठीक है? तो बीसल देव रासो के आपको बताना है 2 सेकंड में। और दोस्तों आपको पता है कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? वो हैं नरपति नाल। नरपति, और नरपति दोस्तों कितने होते हैं, है ना? 20 नहीं होते, बोले 20 पति नहीं होते, एक पति होता है, है ना? 20 पति नहीं होते, 20 क्या नहीं होते, पति नहीं होते, तो नरपति, 20 नरपति नहीं होते, एक होता है, ठीक है? तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन होंगे? नरपति नाल, ठीक है? और ये अजमेर के शासक से संबंधित थे दोस्तों, है ना? ये जो बीसल देव रासो है, और ये गीति काव्य माना जाता है ना? इसको आपको याद रखना है। अगला है कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? कीर्ति लता, दोस्तों आपको पता है कि कीर्ति उसी की फैलेगी जिसमें विद्या है, जिसमें विद्या है उसकी कीर्ति जगह जगह फैलेगी, जिसमें विद्या नहीं है उसकी कीर्ति नहीं फैलेगी। तो ये जो कीर्ति फैलेगी कब फैलेगी? जब विद्या है तो विद्यापति, है ना? तो कीर्ति लता विद्यापति, ठीक है? विद्या है तो कीर्ति फैलेगी, तो कीर्ति लता विद्यापति। और दोस्तों आपको पता होगा कि विद्यापति जी की कितनी रचनाएं थी? एक तो थी इनकी कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति लता, और एक थी इनकी कीर्ति पताका। कौन सी थी? कीर्ति पताका, और एक थी दोस्तों इनकी पदावली, ठीक है? तो ये इनकी रचनाएं थी तीन, तो पद लता पताका, पद लता पताका ऐसे याद रखेंगे, पद लता पताका। तो ये तीन रचनाएं आपको याद रखना है, और जिसमें जिसकी जिसमें विद्या है उसकी कीर्ति फैलेगी, इस प्रकार से याद भी करेंगे, ठीक है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है आप वर्ण लिखते हो, वर्ण है ना, जैसे आ अनार का, आ आम का, ये क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो वर्ण आप अंधेरे में पढ़ोगे कि ज्योति में पढ़ोगे? वर्ण अंधेरे में नहीं पढ़ना है, हमें ज्योति में पढ़ना है, ज्योति यानी कि उजाले में पढ़ना है, तो वर्ण हमें ज्योति में पढ़ना है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, है ना? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन होंगे? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं कभी पूछूं आपसे वर्ण रत्नाकर, बोले सर वर्ण तो हमें ज्योति में पढ़ना है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है?
अगला है राहुल बेल की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको ट्रिक भी बताना है, कौन सी अच्छी ट्रिक लगी है वो कमेंट में बताना है। वीडियो के लास्ट में एक चैलेंज प्रश्न दिया जाएगा तो उसका उत्तर भी आपको बताना है, ठीक है। राहुल बेल, बेल समझते हैं आप दोस्तों, बेल बजा दी, बोले यार बेल बजा दी बड़ा रोड़ा है। कभी कभी आप जब सोते हो, कभी कभी आप सोते ही हो और कोई बेल बजा दे तो सोने में रोड़ा बन जाती है, कौन, सोने में रोड़ा बन जाती है बेल, सोने में रोड़ा बन जाती है बेल। तो राहुल बेल और बेल बन जाती है क्या, रोड़ा। तो राहुल बेल की रचनाकार कौन होंगे, रोड़ा कवि, रोड़ा कवि, यानी कि यह नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा दोस्तों, जैसे ही आप सोए और किसी ने बेल बजा दी बाहर से, तो रोड़ा बन जाती है आपके सोने में, तो रोड़ा, रोड़ा कवि की है राहुल बेल, ठीक है। अगला है ढोला मारूरा दुहा की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि ढोला से बनेगा ढोल, और ढोल वही बजा सकता है जो ढोल बजाने में कुशल है, ढोल बजाने में जो कुशल है वही ढोल बजाएगा। तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन होंगे, कुशल लाभ, है ना। ये देखो ढोल बजा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, कुशल हैं ढोल बजाने में, है ना। तो ढोल से ढोला मारूरा दोहा, और ढोल वही बजाएगा जो कुशल है, तो कुशल लाभ, ठीक है। यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों विजयपाल रासू के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों आपने गदर फिल्म देखी होगी, गदर फिल्म देखी है, शनि देवल अकेले, और शनि देवल क्या करते हैं, विजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड़ देते हैं। विजय प्राप्त करने के लिए क्या उखाड़ देते हैं, नल, ये देखो हाथ में, ये विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने नल उखाड़ दिया, तो विजय से बनेगा विजयपाल रासो, और नल उखाड़ दिया तो नल सहभाट, नल सहभाट, बोले नल उखाड़ दिया, है ना। विजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड़ दिया तो नल सहभाट की रचना है, कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। अगला है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो, और आपको पता है ये पृथ्वी है और ये इसका एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। तो यहाँ पर पृथ्वी आया है तो इसका उपग्रह भी कहाँ पर आएगा, यहाँ उपग्रह आ जाएगा, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा तो चंद्रवरदाई, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों जवाहरे खुसरवी की रचनाकार कौन है, जवाहरे खुसरवी, और आपको पता है कि जो जवाहर, हीरा, मोती, जवाहर, ये किसके पास होंगे, गरीब के पास कि अमीर के पास, ये देखो ये जवाहर हैं, हीरा, मोती, जवाहर, और ये जवाहर जो होंगे वो किसके पास होंगे, अमीर व्यक्ति के पास होंगे कि गरीब व्यक्ति के। तो आपने बिल्कुल सही आंसर पहचाना है कि सर अमीर के पास होंगे, तो जवाहरे खुसरवी की जो रचना होगी वो किसकी होगी, अमीर खुसरो, और खुसरवी से तो खुसरो है ही, तो खुसरा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो चार विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों कि जब एक पति, एक पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, एक पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ की व्रत रखती हो, जब ये चल्ली में से वह चांद को देखती है तो चांद कैसा नजर आता है, मधुर, कैसा नजर आता है, मधुर, तो मधुकर, है ना। मयंक मतलब भी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा की चंद्रिका को जब पत्नी देखती है तो जो चंद्रिका है वो कैसी नजर आती है, मधुर, तो मधुकर, है ना। जय मयंक जस चंद्रिका कैसी नजर आ रही है, मधुर से मधुकर, ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका नजर आ रही है मधुर तो मधुकर, ठीक है। यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर, ठीक है। अगला है खुमान रासु के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है खुमान मतलब होता है दीर्घायु, खुमान मतलब क्या होता है, दीर्घायु, लंबी आयु, ठीक है। लेकिन खुमान रासु, खुमान एक पदवी भी थी शिवाजी की, है ना, इन्हें खुमान की पदवी दी गई थी। और खुमान रासु के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे, दलपति विजय। खुमान से बनेगा दोस्तों आपका गुमान, और हम बोलते ना कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। कभी कभी कोई दल का पति विजय प्राप्त करता है तो उसे गुमान हो जाता है, गुमान, तो गुमान से खुमान, गुमान से खुमान, है ना। दल का पति अगर विजय हो जाता है तो उसे गुमान हो जाता है, तो खुमान, तो खुमान रासों के रचनाकार दलपति विजय, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता भी तो है, आप बोलोगे सर दोहा सुनाओ, सर दोहा सुनाओ, तो सर से सरहपा और दोहा सुनाओ से सो दोहा कोश,
है ना, ट्रिक अगर मैं इधर लिख दूं कि ट्रिक सर दोहा सुनाओ, दोहा सुनाओ, सर से सरहपा, दोहा से दोहा कोश, तो दोहा कोश के रचनाकार सरहपा। ठीक है, अगला है श्रापकाचार के रचनाकार कौन है, हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों, और ये जो श्रापकाचार है आपको पता है कि जैन धर्म में व्यक्ति जब भगवान के पास जाता है तो श्रावक बन के जाता है भगवान के पास, है ना, है ना, और भगवान को क्या बोलता है, देव। तो श्रावक जाता है किसके पास, देव के पास, श्रावक बनकर जाता है व्यक्ति देव के पास। तो श्रापकाचार के रचनाकार कौन होंगे, देवसेन। ये देखो, ये व्यक्ति श्रावक बनकर गया है किसके पास, भगवान या फिर देव के पास। ठीक है, तो श्रावक बन के जाना है देव के पास, तो श्रापकाचार के रचनाकार देवसेन। 933 इसका रचना काल माना जाता है, 933 ईस्वी। ठीक है, श्रापकाचार की और प्रथम रचना है हिंदी की। अगला है बुद्धिरास के रचनाकार कौन है, बुद्धिरास। दोस्तों आपको पता है कि हम बोलते हैं कि वो बुद्धिशाली लोग हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, तो यहाँ पर वो ही तो पूछी गया है कि बुद्धिशाली, तो बुद्धिशाली यानी कि बुद्धिशाली भद्रसूरी, बुद्धिरास साली भद्रसूरी। और किसी किसी की तो साली भी बहुत बुद्धिमान होती है, बोलते हैं जिस जिसकी शादी हो गई बोले मेरी साली बहुत बुद्धिमान है, है ना। तो बुद्धि से बुद्धि और बुद्धिशाली, साली ऐसे याद रखना, बुद्धिशाली वो बुद्धिशाली लोग हैं, तो बुद्धिशाली से बुद्धिरास, साली से साली भद्रसूरी, है ना, तो बुद्धिशाली इस प्रकार से। अगला है रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन है, चार विकल्प में 2 सेकंड में आपको बताना है। दोस्तों आपको पता है कि रेवंतगिरी एक पर्वत था, जैन धर्म से संबंधित पर्वत है रेवंतगिरी, और रेवंतगिरी की पर विजय प्राप्त करनी थी। बहुत सारे राजा सोचते थे कि रेवंतगिरी पर क्या करनी है, विजय, विजय प्राप्त करनी है, काय पर, रेवंतगिरी पर। तो रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन होंगे, विजय प्राप्त करनी है तो विजयसेन सूरी। रेवंतगिरी पर क्या प्राप्त करना है, विजय, तो विजयसेन सूरी, है ना, ये विजयसेन सूरी की रचना है, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अगला है चंदनवाला रास के रचनाकार कौन है। दोस्तों चंदनवाला, हम जब मंदिर जाते हैं तो चंदन की आस लगा के जाते हैं, चंदन की आस, चंदन की आस। ये देखो, ये महाशय चंदन की आस लगा के बैठे थे, तो इनको चंदन लग गया, तो याद रख लेना चंदन की आस तो आसगु, चंदन की आस तो आसगु। ठीक है, चंदन वाला रास किसकी होगी, आस से आसगु, है ना, चंदन की आस, इतना याद करना, चंदन की आस तो आसगु कवि की है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, कुमारपाल प्रतिबोध। दोस्तों आपको पता होगा आजकल के जो कुमार हैं वो सोमरस बहुत पी रहे हैं, सोम, है ना, कुमार लोग सोमरस पी रहे हैं, तो सोम प्रभ सूरी, सोम प्रभ सूरी इस प्रकार से याद करेंगे, कुमार लोग सोम पी रहे हैं तो सोम प्रभ सूरी, है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोम प्रभ सूरी। कच्छुली रास के रचनाकार कौन है, कच्छुली रास। आपको बता है दोस्तों, आपसे मैं पूछूं कच्छुली, कच्छुली बाजार गए थे कच्छुली, बोले हाँ मैंने तिलक लगाकर प्रज्ञा ली, है ना, प्रज्ञा तिलक, है ना, इस प्रकार से मैंने प्रज्ञा ली तिलक लगाकर, तो प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास, बोले कच्छुली रास कच्छुली, तो बोले हाँ ली प्रज्ञा, ली प्रज्ञा, है ना, तो प्रज्ञा तिलक कच्छुली, प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा तिलक। ये देखो, ये तिलक लगाकर क्या ले रहे, प्रज्ञा ले रहे हैं, प्रज्ञा यानी कि प्रतिज्ञा, है ना, वही ले रहे हैं, तो कच्छुली, बोले प्रतिज्ञा ली तिलक लगाकर। ठीक है, इस प्रकार से। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, दोस्तों चार विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों कि केदारनाथ में हमें क्या करना है, चंद्रमा का प्रकाश करना है, केदारनाथ में चंद्रमा का प्रकाश करना है, तो चंद से चंद्रमा और चंद्रमा का प्रकाश कहाँ करना है, केदारनाथ में, तो केदार भट्ट, चंद्रमा का प्रकाश करना है कहाँ, केदारनाथ में, तो केदारनाथ भट्ट, केदार भट्ट की रचना है जयचंद्र प्रकाश। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर की है, है ना, और जयचंद प्रकाश ये केदार भट्ट की है। ठीक है, अगला है दोस्तों हमीर रासों के रचनाकार कौन है, दलपति विजय, सारंगधर, केदारनाथ, केदार भट्ट या फिर सोम प्रभ सूरी। तो हमीर रासों कई बार पूछी गई है, याद रख लेना इस सारंगधर की है, किसकी है,
सारंगधर, ठीक है, हमीर रासो सारंगधर। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और ट्रिक आपको बतानी, उत्तर आपको बतानी होगी, फिर ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना भरत मिलाप, सत्यवती कथा और अंगद पैच की रचनाकार कौन है। ये चार विकल्प हैं दोस्तों, चारों में से आपको बताना है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईश्वरदास। ईश्वरदास दोस्तों हमारे ईश्वर कौन है, बोले हमारे ईश्वर तो कौन है, श्री राम है। श्री राम है तो श्री राम से किसका मिलाप हुआ था, भरत मिलाप, भरत का मिलाप हुआ ईश्वर से, तो भरत मिलाप ईश्वरदास की है ना, ईश्वर की कथा सत्य होती है, तो ईश्वरदास है ना, ईश्वर की कृपा से अंगद ने पैर जमाया था, आपको पता होगा लंका में है ना, अंगद ने कहा कि ये तो मेरे श्री राम की कृपा है, तो किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, श्री राम की कृपा से, तो भरत मिलाप, भरत का मिलाप हुआ ईश्वर यानी कि श्री राम से, सत्यवती कथा, ईश्वर की कथा सत्य होती है और अंगद ने पैर जमाया ईश्वर की कृपा से, तो अंगद पैज भी किसकी होगी, ईश्वरदास की, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे भरत मिलाप, सत्यवती कथा और अंगद पैज, ये तीनों ही रचना है दोस्तों। यहां पर चित्र में देखो कैसे भरत का मिलाप हो रहा है श्री राम ईश्वर से, ठीक है। अगला है मृगावती की रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, 2 सेकंड हैं, चित्र में भी आप देख लेंगे। और आपको पता है दोस्तों कि ये आपको वन दिख रहा है, ये आपको पूरा वन दिख रहा है और वन में मृगा को मार रहे हैं है ना, श्री राम मृगा के पीछे दौड़ रहे हैं वन में, तो मृगा के पीछे दौड़ रहे हैं कहां पर, वन में, तो कुतुबन, कुतुवन, ठीक है ना, वन में मृगा के पीछे दौड़ रहे, तो मृगावती के रचनाकार कौन होंगे, कुतुबन, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों आपको पता है कि इस रचना को मृगावती को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना भी माना है ना, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला देखो अवध विलास की रचनाकार कौन है, अवध विलास दोस्तों आपने, मैंने आपको कई बार बताया है कि अवध का लाल, अवध का लाल है ना, अब वो गाना पढ़ते ना कि बना की अवध पुरी ससुराल बराते को जयहत, तो अवध का लाल, इतना बस याद रखना, अवध का लाल तो लालदास, अवध विलास के रचनाकार कौन होंगे, लालदास, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, दोस्तों आपको पता है आप रामायण पढ़ते हो और आपको पता है कि रामायण हमारी क्या है, प्राण है, रामायण हमारी प्राण है, तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, रामायण हमारी प्राण है तो प्राणचंद चौहान है ना, प्राणचंद चौहान, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रामायण हमारी प्राण है तो प्राणचंद चौहान, ठीक है। अगला है ध्यान मंजरी की रचनाकार कौन है, दोस्तों ट्रिक भी आपके सामने है, उत्तर भी चयन आपको करना है, तो मैं अगर आपको पढ़ाई करवा रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, तो आपका ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए, ध्यान नहीं जाना चाहिए तो ध्यान मंजरी, और कहा नहीं जाना चाहिए अग्र, तो इसके रचनाकार कौन होंगे, अग्रदास, ठीक है, ध्यान मंजरी के रचनाकार अग्रदास, ध्यान अग्र कहीं नहीं जाना चाहिए है ना, तो अग्रदास, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है, दोस्तों आपको बताना है, इसके पहले मैंने लगभग 30 से 35 वीडियो दोस्तों ट्रिकी वीडियो डाल दिए हैं, वो जरूर देखेंगे, सब कुछ याद करवा दिया हिंदी साहित्य में और हनुमान नाटक, और दोस्तों आप हनुमान के बात करोगे है ना, तो हनुमान ने दिखा दिया कि मेरे हृदय में राम है, ऐसे सीना पाड़ के चित्र में देखो, मेरे हृदय में श्री राम है, कौन है, श्री राम, तो हनुमान नाटक जो होगा वो किसका होगा, वो किसका होगा, हृदय राम, हृदय राम का, क्योंकि हृदय में कौन है, हनुमान के, हनुमान के हृदय में कौन है, राम, तो हृदय राम, बोले देख लो हृदय राम है ना, तो हनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम, हनुमान के हृदय में राम विराजमान है, तो हनुमान नाटक हृदय राम, ठीक है। इस प्रकार से हंसावली के रचनाकार कौन है, दोस्तों चार विकल्प हैं, चित्र में देख लेना जरा कि ये हंस रहे हैं, अब आप जैसे अपन लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के वक्त कोई हंस रहा है तो आप बोलोगे यार साइट में जाके हंस लो, साइट में जाके हंस लो, अगर हंसना ही है तो है ना, तो इनसे बोल दो साइट में जाके हंस लें,
तो हंस लें तो हंसावली, और साइट में तो ईसाइत, असाइत, असाइत, साइट, साइट है ना, साइट से साइट, तो हंसें साइट में जाके तो असाइत, ठीक है। हंसावली ये असाइत की रचना है, साइट में जाकर हंसो तो हंसो साइट में, तो हंसावली साइट असाइत की, ठीक है। अगला है रूपमंजरी के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं और मैंने कई बार आपको याद करवाया है। यहां पर देखो रूपमंजरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, नंददास, नंददास हैं। अब नंद दोस्तों आपको पता है, ये देखो ये सास बहू और ये नंद है ना, और आप जल्दी बताओ रूप किसका अच्छा लग रहा है, रूप किसका अच्छा लग रहा है, किसका, नंद का। बोले नंद का रूप बहुत अच्छा है, नंद का रूप, जिसे ननद बोलते हैं या नंद, तो नंद का रूप अच्छा है, तो नंद का रूप अच्छा है, इसलिए नंददास की रचना कौन सी हो जाएगी, रूपमंजरी। अब आपसे कभी पूछा जाएगा रूपमंजरी, बोले रूप तो नंद का अच्छा है सर, तो नंददास है ना, याद रख लेना। कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवि थे और इनके गुरु का नाम था विट्ठलनाथ, ठीक है। तो नंददास बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताना भी है लास्ट में कि सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी है। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं दोस्तों, दो सेकंड में आपको उत्तर बताना है। और आपको पता है कि ज्ञान नया नया, नबी नबी ज्ञान सीखना चाहिए, पुराना नहीं, नबी नबी ज्ञान हमें सीखते जाना चाहिए, नबी नबी। तो ज्ञानदीप के रचनाकार कौन होंगे, बोले सर नबी नबी ज्ञान सीखना है तो कौन, शेख नबी है ना, नबी नबी नया नया, तो शेख नबी की रचना है कौन सी, ज्ञानदीप, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भक्तमाल के रचनाकार कौन है दोस्तों, भक्तमाल आपको पता है कि अगर भक्तों को नभ में जाने मिले तो ये नभ में भी चले जाएंगे, बोले ईश्वर नभ में है अब आप यहां से चले जाओ, तो भक्त भक्ति के लिए नभ में चले जाएंगे, भक्त भक्ति के लिए नभ में चले जाएंगे, तो भक्तमाल के रचनाकार कौन होंगे, भक्त भक्ति के लिए कहां जा रहे हैं, नभ में, तो नाभादास है ना, नभ में तो नाभादास, भक्तमाल के रचनाकार नाभादास। तो इस प्रकार से देखो यहां पर भक्ति, भक्त और भगवान, अगर भगवान की भक्ति के लिए नभ में जाना पड़े तो नभ में भी चले जाएंगे, भक्तमाल नाभादास, इस प्रकार से कई बार पूछी गई है। अगला है आपको वरवे रामायण के रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको पता है कि मैंने आपको याद करवाई थी तुलसीदास की पूरी रचनाएं, कौन सी रचना ब्रज में है, कौन सी अवधि में है। मैंने आपको बताया था कि जिस रचना में राम और मंगल आए, जिस रचना में राम और मंगल आए वो समझो अवधि भाषा की, ठीक है, और बाकी ब्रज भाषा की है ना, इनकी जो 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं उनमें से, ठीक है। तो वरवे रामायण, वरवे रामायण दोस्तों किसकी है, तुलसीदास की। अब इसको कैसे याद रखोगे, अभी तुलसीदास की रचना है और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, तो इन्होंने बार बार रामायण पढ़ी होगी कि नहीं, ये देखो ये इन्होंने बार बार रामायण पढ़ी, तो एक रचना इन्होंने कर दी बार बार से वरवे रामायण, बोले बार बार रामायण, इतना बस, बार बार रामायण, वरवे रामायण, बार बार रामायण, वरवे रामायण, तुलसीदास, ठीक है, अवधि भाषा में है। अगला बताना है आपको अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है दोस्तों, अनुराग मतलब होता है प्रेम, प्रेम अर्थात प्यार। तो आपको बताना है कि ये देखो नूरजहां है ना, नूरजहां इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इनसे सभी क्या करते थे, अनुराग रखते थे, प्रेम रखते थे है ना। तो कौन, नूरजहां बहुत सुंदर थी तो इनसे लोग क्या करते थे, प्रेम करते थे, अनुराग रखते थे। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन होंगे, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। बोले अनुराग किससे रखते थे, नूर से, अनुराग किससे रखते थे, नूर से। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद, ठीक है, नूर से अनुराग सभी करते हैं, तो इस प्रकार से याद रख लेना। और अनुराग बांसुरी कई बार पूछी भी गई है। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं और एक चीज बताना कि यहां पर आया है ताई, और आपको पता है सबके घर में ताई और ताऊ होते हैं, ताऊ जी ताई जी होते ना, तो ताई क्या करती हैं, नारायण की वार्ता सुनाती हैं, ताई नारायण की वार्ता सुनाती हैं, सुनाती हैं कि नहीं, आपके घर में सुनाती होंगी, ताई नारायण की वार्ता सुनाती हैं, तो छिताई वार्ता के रचनाकार कौन होंगे, नारायण की वार्ता सुनाते हैं तो नारायण दास। ये देखो लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण है और लक्ष्मी नारायण नारायण की वार्ता सुनाते हैं, नारायण की है ना, कौन, ताई, तो छिताई वार्ता नारायण दास, यानी कि आपका जो उत्तर है वो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों दान लीला की रचनाकार कौन है, दान लीला। और आपको पता है दोस्तों कि जो दान करते हैं और हमेशा दान करते हैं उन्हें दान करने में परम आनंद आता है, जो दान नहीं करते उन्हें नहीं पता ये चीज, लेकिन जो दान करते हैं उन्हें दान करने में परम आनंद आता है। तो दान लीला की रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे दान लीला की रचनाकार होंगे दोस्तों, कौन, परम आनंद आता है तो परमानंद दास, और दान लीला रसखान की भी रचना है, ठीक है, याद रख लेना, रसखान की भी है और परमानंद की है ना, रस का दान करने में परम आनंद आता है, रस का दान करने में, इस प्रकार से याद रख लेना, रस का दान करने में परम आनंद आता है। तो दान से दान लीला, और ये रसखान की भी है और परमानंद की भी है ना, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है, दान लीला की रचनाकार। रामचंद्रिका की रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको पता है इसे छंदों को अजायब घर कहा किसे, किसने कहा, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ये चीज भी आपको याद रखनी है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा, और ये किसकी रचना है, आपको पता है कि राम के केस चंद्रिका से चमक रहे, राम के केस चंद्रिका से चमक रहे, तो रामचंद्रिका किसकी रचना होगी, क्या चमक रहा है, केस चमक रहे तो केशवदास है ना, यहां पर देखो राम के केस चंद्रिका से चमक रहे तो राम चंद्रिका केशवदास, ठीक है, रामचंद्रिका केशवदास अधिकांश लोगों को पता है ना। अगला है अनेकार्थ मंजरी की रचनाकार कौन है दोस्तों, हमने पढ़ा था वहां पर नंद, नंद के कई अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे एक नंद बहू की नंद हो गई, ठीक है, दूसरी नंद क्या हो गई, नंद बाबा हो गए, है ना, तो अनेक अर्थ निकल रहे हैं ना नंद के, क्या निकल रहा है, अनेक अर्थ, बोले सर अनेक अर्थ निकलते हैं नंद के, तो अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना होगी, किसकी होगी, अनेकार्थ किसके निकल रहे हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं नंद के, तो नंददास, रूप अच्छा है नंद का तो रूप मंजरी नंददास, नंद के अनेक अर्थ निकलते हैं तो नंददास, है ना, नंद के अनेक अर्थ निकलते हैं तो अनेकार्थ मंजरी नंददास, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अब मैं आप कभी पूछूं आपसे अनेकार्थ मंजरी किसकी है, तो आप बताओगे सीधे से सर कि अनेक अर्थ निकलते हैं नंद के, एक नंद का अर्थ होता है बहू की नंद, एक नंद का अर्थ होता है नंद बाबा, तो ऐसे अनेक अर्थ निकलते हैं नंद के, तो अनेकार्थ मंजरी नंददास, ठीक है दोस्तों। भक्त नामावली की रचनाकार कौन है, भक्त नामावली, अभी हमने भक्तमाल पढ़ी थी, बोले भक्तों को अगर नभ में भी भक्ति करने जाना पड़े तो वो नभ में चले जाते हैं भक्त, है ना, वैसे ही भक्त नामावली, और दोस्तों जो भक्त लोग होते हैं ओरिजिनल भक्त होते हैं, इनके नाव ये पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो इनके नाम ध्रुवों पर लिखवाना है, भक्तों के नाम ध्रुवों पर लिखवाना है, इतना बस याद रख लेना, भक्तों के नाम ध्रुवों पर लिखवाना है, तो भक्त नामावली किसकी रचना होगी, ध्रुवदास, ध्रुवदास। और आपको पता है पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, है ना, और इनके नाम कहाँ लिखवाना है, ध्रुवों पर लिखवाना है भक्तों के नाम, तो ध्रुवदास की रचना होगी कौन, भक्त नामावली, ठीक है। अगला है सुदामा चरित की रचनाकार कौन है दोस्तों, ये जो सीन है आपने ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा, सुदामा जी और कृष्ण जी का मिलन, और आपको पता है दोस्तों कि जो सुदामा जी थे वो कैसे थे, नरों में उत्तम थे, नरों में उत्तम थे, कौन, सुदामा जी, तो सुदामा चरित के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, नरोत्तम दास, है ना, नरोत्तम दास, इनकी मित्रता बहुत अमर थी दोस्तों, है ना, आपने देखा होगा, जिसने भी देखा है वो देखता ही रह जाता है ये सीन, और सुदामा चरित यानी कि सुदामा नरों में उत्तम थे तो नरोत्तम दास, ठीक है, ये हैं सुदामा, और सुदामा कैसे थे, नरों में उत्तम थे तो नरोत्तम दास, ठीक है। अगला है सीतायन की रचनाकार कौन है दोस्तों, सीतायन यानी कि 19 का उत्तर आपको बताना है, मैंने बहुत सारी रचनाएं इसलिए नहीं रखी तुलसीदास की सूरदास की कि आपको पता है और मैंने पहले भी करवा दी है, ऐसी रचनाएं रखी हैं जो परीक्षाओं में भी आती हैं और आपको पता भी ना हो, है ना, ऐसी कुछ कठिन सी, बाकी तो आपको तुलसीदास की पता है, सूरदास की पता है, कबीरदास की बीजक पता है, वो रख सकते थे लेकिन वो भी हम बता देंगे बाद में, लेकिन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ी सी कठिन वाली सीतायन की रचना कौन है दोस्तों, आपको पता है कि सीता किसकी प्रिया थी, ये देखो सीता राम की प्रिया थी, सीता राम की प्रिया थी, तो राम प्रिया
शरणदास और राम की शरण में रहती थी। तो राम प्रिया शरणदास, तो राम की प्रिया कौन थी? सीता। तो सीतायन की रचनाकार कौन होंगे? राम प्रिया शरणदास। बोले सीतायन, अच्छा सीता तो राम की प्रिया थी, तो राम प्रिया शरणदास। ठीक है, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों युगल शतक की रचनाकार कौन है। ये चार विकल्प हैं और आपको दिख रहा होगा बैगन रखा है, भट्टा, भट्टा आपके सामने रखा है, भट्टा एक भट्टा नहीं रखा, कितने भट्टा रखे हैं? युगल भटक रखे हैं, मतलब जोड़ा रखा है, जिसे हम युगल बोलते हैं, युगल है ना, और बोलते हैं जुगल जोड़ी है यार आपकी, तो जुगल युगल। ठीक है, तो युगल युग है ना, युग कहेंगे इसे, युग, तो युग से युगल, और युगल काय का युगल है? ये भट्टा का युगल है, तो श्री भट्ट, युगल से युगल शतक, और युगल शतक श्री भट्ट है ना, भट्ट याद कर लेना, भट्टा के भट्ट के भट्टा के क्या युगल, भट्टा के युग, तो युगल शतक श्री भट्ट। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों शब्द रसायन की रचनाकार कौन है। ये शब्द रसायन है और चार विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि शब्द को रसायन देव, शब्द को रसायन देव है ना, हम बोल देते ना यार राशन पानी देव, राशन पानी देव, ऐसे ही शब्द को राशन पानी देव, शब्द को क्या दो? राशन पानी देव, तो देव से देव कवि, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्द को आप कैसे याद रखोगे? शब्द को राशन पानी देव, यानी कि सा नंबर। ठीक है, अगला है कवि कुल कल्पतरु की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको कुछ नया करना होगा, रचनाएं अगर याद करनी है तो व्यवहारिक जीवन से जोड़ना होगा, ट्रिक बनानी होगी, ठीक है, रिलेट करना होगा। अब आपको बताना कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। अब एक चीज बताना दोस्तों, इसको मैंने आपको कई बार याद करवाया, कैसे याद करवाया है कि कुल की चिंता सभी को रहती है, आपको भी रहती है, हमें भी अपने कुल की चिंता रहती है, आपको भी अपने कुल की चिंता रहती है, तो यहां पर आया है कुल और कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे? चिंता रहती है तो चिंतामणि, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों बृहबारिश की रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, और आपको पता है कि जब बृह होता है किसी व्यक्ति को तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल बोधा हो जाता है, अपन बोलते यार तुम तो बोधा हो गए हो, है ना। बृह जब होता है व्यक्ति को तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता और वह बोधा बन जाता है, तो बृहबारिश की रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे? बोधा, बोधा कवि होंगे, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बृह की बारिश होती है तो व्यक्ति बोधा बन जाता है, वैसे ही रचना है बृहबारिश, और बृहबारिश की रचनाकार कौन है? बोधा, याद रख लेना, ये सिर्फ रिलेट और याद करने का तरीका है। ठीक है, तो सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो छंदमाला की रचनाकार कौन है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया रचना पूछी जाती है, ये छंदमाला कई बार पूछी गई है, केशव दास जी की विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, छंदमाला, ये रचनाएं पूछी जाती है इनकी, कवि प्रिया, रसक प्रिया, लेकिन ये छंदमाला आपको याद नहीं होती दोस्तों, लेकिन आज याद हो जाएगी कि छंद की माला हमें कहाँ पहनना है, केशों में, ये देखो केशों में हमें छंद की माला पहननी है, तो केशव दास, छंदमाला कहाँ पहननी है, केशों में, छंदमाला कहाँ पहननी है, केशों में, है ना, तो केशवदास, इस प्रकार से। अगला है कवित्र रत्नाकर की रचनाकार कौन है। दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है रीतिकाल की और हमेशा पूछी जाती है, तो कवित्र रत्नाकर की रचनाकार, चार विकल्प हैं और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, और आपको पता है दोस्तों कि जो सेना है वो हमारी रत्न के समान है, हमारे देश की सबसे अनमोल जो रत्न है वो हमारी सेना है, तो सेना रतन है, तो कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे? रतन है तो सेनापति, सेनापति, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब आप कभी नहीं भूलना दोस्तों, सेना हमारी क्या है? अनमोल रतन है, तो रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर, सेनापति। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है माधवा नल कामकंदला की रचनाकार कौन है। दोस्तों माधवा नल कामकंदला है ना, दोस्तों नल का काम करते करते, नल का काम करते करते आलम बिगड़ जाता है, क्या बिगड़ जाता है? नल का काम करते करते आलम बिगड़ गया, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, नल
माधवा नल काम कंदला, काम करते करते नल का काम करते करते आलम बिगड़ गया। तो आलम जी इसके रचनाकार होंगे, यानी कि विकल्प नंबर आपका आलम केली है, एक आलम केली और माधवा नल काम कंदला, ये दो रचना है आलम की, है ना। तो आलम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला है दोस्तों रतन हजारा के रचनाकार कौन है। इससे पहले लगभग 25 वीडियो ट्रिकी वीडियो मैंने डाले हैं, पूरे संप्रदाय पूरी रचनाएं बहुत सारी चीजें याद करवा दी, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाएं, ज्ञानपीठ व्यास सम्मान से सब कुछ याद करवाया हिंदी साहित्य में। तो प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखना है। और रतन हजारा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, और एक चीज बताना दोस्तों, हजारों रत्न कहाँ पर हैं, पृथ्वी में या आकाश में। हजारों रत्न कहाँ पर हैं, पृथ्वी में, यानी कि पृथ्वी से हैं, है ना। हजारों रत्न पृथ्वी में हैं, कहाँ पर, पृथ्वी में। तो पृथ्वी से हैं इसके रचनाकार होंगे, और पृथ्वी से हैं किसका वास्तविक नाम था, रसनिधि, है ना। रसनिधि का वास्तविक नाम था पृथ्वी से हैं, है ना। तो याद रख लेना, रतन हजारा, रसनिधि या फिर पृथ्वी से हैं। तो सा नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शकुंतला नाटक की रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं। देखो, आपने रामायण महानाटक पूछा गया आपसे, हनुमान नाटक आपसे पूछ लिया गया परीक्षों में, और शकुंतला नाटक, ये तीनों नाटक पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। हनुमान नाटक हृदय राम, है ना, और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, और इस शकुंतला नाटक भी आपको याद रखना है। और इस शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, तो बाज नहीं आती तो नेवाज, शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेबाज। और दोस्तों रामायण महानाटक मैंने आपको याद करवाया था कि रामायण महानाटक, रामायण हमारी क्या है, प्राण है, तो प्राणचंद चौहान, है ना। और हनुमान नाटक, तो हनुमान जो है अपने हृदय में राम को रखते हैं, तो हृदय राम, हनुमान नाटक हृदय राम। रामायण प्राण है, तो प्राणचंद चौहान, हनुमान हृदय में राम रखते हैं, तो हृदय राम। और शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेबाज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं, आपको कमेंट में जरूर लिखते जाना है अपने कमेंट, है ना। और लास्ट में एक प्रश्न चैलेंज प्रश्न आपको दूंगा, जिसका उत्तर आपको बताना होता है। और प्रबोध पचासा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, पद्माकर। आपको दोस्तों 50 पदम चलना है, 50 कदम या फिर 50 पदम, क्या है, 50 पदम चलना है तो पद्माकर, 50 पदम चलना है तो पद्माकर। इनकी रचना एक गंगा लहरी है दोस्तों, गंगा लहरी है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा है, ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं पद्माकर जी की, ठीक है। अगला प्रश्न है, हित तरंगणी की रचनाकार कौन है। हित तरंगणी के बताना है दोस्तों, अब एक चीज बताना कि अगर दोस्तों आपके ऊपर कृपा राम की हो जाए, कृपा राम की हो जाए, तो आपका हित होगा कि अहित होगा, क्या होगा, हित होगा ना, कृपा राम की हो जाए तो हित होगा। तो हित तरंगणी की रचनाकार कौन होंगे, हित तरंगणी के रचनाकार होंगे दोस्तों कृपा राम। और हिमतरंगणी आपने पढ़ा होगा माखनलाल चतुर्वेदी का, हिमतरंगणी, है ना, हिमतरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी की, और हित तरंगणी कृपा राम की, क्योंकि हित कृपा राम की होती है तो हित होता है, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है। दोस्तों अगर आप अध्यात्म करोगे, अध्यात्म से जुड़ जाओगे, अध्यात्म यानी कि भगवान की भक्ति से अगर आप जुड़ जाओगे, तो आपको दुख नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर अध्यात्म से जुड़ जाओगे और अध्यात्म का प्रकाश अगर आपके जीवन में आ जाए, तो आपको सुख मिलेगा, यानी कि सुखदेव मिश्र, अध्यात्म का प्रकाश आपके जीवन में आ जाए तो आपको क्या मिलेगा, सुख। तो सुखदेव मिश्र इसके क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे, किसके, अध्यात्म प्रकाश के, ठीक है। तो सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर भूषण आ गया है, भूषण, तो भूषण आ गया है तो निश्चित ही ये भूषण की रचना होगी। और इस शिवराज भूषण में 105 अलंकारों की बात की गई है दोस्तों। वैसे भरत मुनि ने 4 अलंकार बताए हैं, है ना, और शिवराज भूषण के जो रचनाकार हैं कौन है, भूषण, और भूषण को जा उपनाम है, ये भूषण उपनाम है इनका, बाकी इनका वास्तविक नाम कुछ विद्वान घनश्याम मानते हैं और कुछ विद्वान मनीराम मानते हैं, है ना। तो ये याद रख लेना, भूषण, ये शिवराज भूषण इनकी रचना है, छत्रसाल दशक है, शिवराज भूषण है ना। और अगला है,
यमुना लहरी की रचनाकार कौन है? चार विकल्प आपको दिए जाते हैं दोस्तों, यमुना, और आपको पता है गंगा लहरी पद्माकर की है, लेकिन यमुना लहरी, यमुना में कौन कूद गए थे? शेषनाग था ना यमुना में, बहुत भयंकर शेषनाग था, और उस शेषनाग को पकड़ने कूद गए थे कौन? ग्वाल। ग्वाल किसे बोलते थे? श्री कृष्ण को, तो ग्वाल कवि। यमुना में कूद गए थे कौन? ग्वाल। तो ग्वाल कवि की ये रचना होगी कौन सी? यमुना लहरी। ये चित्र के माध्यम से देखो दोस्तों, ये शेषनाग है और यमुना में इस शेषनाग को पकड़ने कूद गए थे ग्वाल, यानी कि श्री कृष्ण, है ना, यमुना लहरी। तो यमुना लहरी ग्वाल कवि की और गंगा लहरी पद्माकर की, ये चीज याद रखनी है। अगला है सभा मंडन की रचनाकार कौन है? सभा मंडन दोस्तों, सभा कोई सी हो, सभा आपने देखी होगी दुनिया में बहुत सारी सभाएं होती हैं, लेकिन सभाओं में गरीबों का बोलबाला नहीं होता, किसका होता है? अमीरों का। अमीरों का बोलबाला होता है, आपने देखा होगा अमीरों का बोलबाला होता है, तो सभा मंडन की रचनाकार कौन होंगे? अमीरों का होता है तो अमीरदास। कौन होंगे? अमीरदास। अब याद रख लेना, मैं पूछूंगा सभा मंडन किसका है, तो आप बोलोगे सर सभा में गरीबों की पूछ नहीं होती, अमीरों का बोलबाला होता है तो अमीरदास। ठीक है, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगर ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट में बता देना, और कौन सी सबसे अच्छी ट्रिक लगी है वो भी आपको कमेंट में बताना है। इश्क लता की रचनाकार कौन है दोस्तों? चार विकल्प हैं, इश्क लता, और आपको पता है कि रीतिकाल में कौन सा ऐसा कवि है जो इसकी लताएं फैला रहा था? कौन फैला रहा था? आपको पता है कि इसकी लताएं फैला रहा था, तो वो फैला रहा था घनानंद। घनानंद कवि थे जो इसकी लताएं फैला रहे थे, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और ये इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, है ना, और सुजान के प्रेम में ये अपनी लताएं फैला रहे थे, तो इश्क लता, सुजान के इश्क में लताएं फैला रहे थे कौन? घनानंद, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों सुधा निधि की रचनाकार कौन है? अब चार विकल्प में 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। सुधा निधि, सुधा मतलब होता है दोस्तों अमृत, है ना, और अमृत की निधि जैसा समझते हैं अगर बच्चों को, ये टोस्ट या ब्रेड मिल जाए, टोस्ट या ब्रेज मिल जाए तो बच्चे क्या समझते हैं? सुधा मिल गया, जैसे सुधा की निधि मिल गई, क्या मिल जाए? टोस्ट मिल जाए, टोस्ट मतलब तोस कभी, है ना, सुधा समझते हैं बच्चे अगर तोस मिल जाए तो टोस्ट कभी, ठीक है, तोस कभी हो जाएंगे। इस प्रकार से सुधा निधि के रचनाकार कौन है? तोस कभी है, है ना। अगला है दोस्तों नवरस तरंग की रचनाकार कौन है? नवरस। आपको पता है दोस्तों, आप बोलते हो सर मुझसे नवरस नहीं बनते, नवरस, नस रस हम पढ़ते हैं ना, कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9, है ना, 2 मिला के 11 हो जाते हैं, लेकिन नवरस आप पढ़ते हो, तो नवरस में अगर आपको प्रवीण होना है, प्रवीण होना है तो क्या है यहाँ पर? प्रवीण, कुछ कुछ लोग नवरस में प्रवीण होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग नवरस में प्रवीण हैं, हम बोलते ना यार आप तो नवरस में प्रवीण हो, तो बैनी प्रवीण, बैनी प्रवीण, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी नवरस में प्रवीण हो, आप भी नवरस में प्रवीण हो, तो बैनी प्रवीण, नवरस तरंग की रचनाकार बैनी प्रवीण, इस प्रकार से याद रखेंगे। सुजान चरित की रचनाकार कौन है दोस्तों? याद रख लेना, ये सुजान घनानंद की प्रेमिका थी, लेकिन सुजान चरित घनानंद की रचना नहीं थी, ये किसकी थी? सुजान के पैर में क्या आ गई? सूजन आ गई। देखो सुजान के प्रेम पैर में सूजन आ गई तो सूदन कवि, है ना, सूजन आ गई तो सूदन कवि। सुजान चरित के रचनाकार कौन होंगे? सूदन कवि, क्योंकि सुजान के पैर में क्या आ गई? सूजन, तो सूदन। इस प्रकार से देखो ये सूजन आ गई, और सूजन आ गई तो कौन होंगे? सूदन कवि होंगे। अब कभी भूलना नहीं, बोले सर सुजान चरित, हाँ सुजान चरित, सुजान के पैर में क्या आ गई? सूजन आ गई तो सूदन कवि, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है अंग दर्पण की रचनाकार कौन है दोस्तों? फोटो में देखो जरा, अंग दर्पण, है ना, अपने अंगों को दर्पण में देखकर क्या लेते हैं लोग? रस लेते हैं, तो रसलीन, रसलीन, अंग को दर्पण में देखकर रसलीन, है ना, अंग को दर्पण में देखकर रसलीन। चित्र को देखो और उत्तर बताओ, अंग को दर्पण में देखकर रसलीन, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है काव्य कल्पद्रुम की रचनाकार कौन है दोस्तों? काव्य कल्पद्रुम, हमने कवित्र रत्नाकर पढ़ी थी कि हमारी सेना जो है वो रत्न है, और दोस्तों आपको पता होगा कि जो सेना होती है वो वृक्षों की ओट लेकर के बच बच के
दुश्मनों पर क्या करती है, वार करती है। तो काइपर रूट लेकर के कल्प वृक्ष, आपने सुना होगा एक कल्प वृक्ष नाम सुना होगा, कल्प कल्प आया है तो कल्प एक वृक्ष होता है, और वृक्ष की ओट ले लेकर के है ना हमारी सेना क्या करती है, दुश्मनों पर वार करती है। तो कौन करती है, सेना। तो काव्य कल्प द्रोम, कल्प, अब कल्प याद रख लेना, कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष की ओट लेके सेना दुश्मनों पर वार करती है। तो सेनापति, सेना हमारी रत्न है, तो कवित्र रत्नाकर ये सेनापति की रचनाएं हो जाएंगी। जो दोस्तों आपको टेस्ट भी करवाया जाएगा, ट्रिक भी बताई जाएगी। तो जल्दी से बताएं, बकरी बिलाप के रचनाकार कौन है। दोस्तों 2 सेकंड है आपके पास, और आपको पता है दोस्तों कि भारत में बकरी बहुत हैं, भारत में बकरियां बहुत हैं, अगर किसी की बकरी को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो लोग बिलाप करने लगते हैं। भारत में किसी की बकरी को किसी थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो क्या करने लगते हैं, बिलाप करने लगते हैं। कहाँ पर, भारत में। तो बकरी को कुछ हो जाता है तो बिलाप करने लगते हैं भारत में, तो भारतेंदु। किसकी रचना हो जाएगी ये, भारतेंदु। बोले बकरी को कुछ हो गया तो बिलाप करते हैं भारत के लोग, तो भारतेंदु जी की ये रचना हो जाएगी। यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आनंद अरुणोदय की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि लास्ट में आपको एक चैलेंज प्रश्न दिया जाएगा और इसका उत्तर आपको लिखना होता है, और सबसे अच्छी ट्रिक आपको कौन सी लगी वो आपको बताना होता है। ठीक है, आनंद अरुणोदय की रचनाकार बताना है दोस्तों। 4 विकल्प हैं और 4 में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 2 सेकंड में आपने उत्तर का चयन किया है, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। और दोस्तों अगर कोई 2 शब्द प्रेम के आपसे बोल दे तो आनंद आ जाता है, कई के शब्द बोल दे प्रेम के, 2 शब्द प्रेम के बोल दे तो आनंद आ जाता है। तो आनंद अरुणोदय रचना किसकी होगी, प्रेमघन की भारतेंदु की, प्रेमघन की होगी ना। और दोस्तों आपको पता है एक इन्होंने आनंद कादंबनी पत्रिका भी निकाली थी, आनंद कादंबनी है ना, इसको भी आपको याद रखना है। आनंद कादंबनी पत्रिका किसने निकाली थी, प्रेमघन साहब ने, है ना, पूछा जाता है आनंद कादंबनी पत्रिका किसने निकाली थी, प्रेमघन ने। अगला है प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार दोस्त कौन है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि प्रेम की संपत्ति किसके पास थी, हम बोलते हैं कि हमारे ये प्रॉपर्टी है, हमारी वो है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन जो प्रेम रूपी संपत्ति थी वो किसके पास थी, आपको पता होगा, आप पढ़ते हैं कि मोहन के पास, मोहन यानी कि श्री कृष्ण के पास थी दोस्तों प्रेम रूपी संपत्ति। तो याद रख लेना, मोहन से जगमोहन, ठाकुर जगमोहन है ना, आपने पढ़ा होगा कृष्ण जी की पास क्या थी, प्रेम रूपी संपत्ति, सब लोग उनसे प्रेम करते थे, तो प्रेम रूपी संपत्ति किसके पास थी, मोहन, तो मोहन से बनेगा जगमोहन, ठाकुर जगमोहन की रचना है प्रेम संपत्ति लता। ठीक है, अगला है मन की लहर की रचनाकार कौन है। दोस्तों 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि अगर कभी मन में लहर उठ जाए कि हमें पढ़ाई करना है, कभी मन में लहर उठ जाए तो कि हमें पढ़ाई करना है, तो उसका प्रताप बहुत होता है दोस्तों, उसका प्रताप बहुत होता है, और आप IAS IPS बन जाते हो, है ना। तो मन में पढ़ाई की लहर उठानी है ना, और उस लहर का इतना प्रताप होगा कि आप IAS बन जाओगे। तो काय का प्रताप है, मन की लहर का प्रताप है। बोले ये तो IAS कैसे बन गए, वो तो ये तो मन की लहर का प्रताप है जो हम IAS बन गए, तो मन की लहर का प्रताप, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत 12 मासा के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत में नहीं सब जगह कितने मास होते हैं, 12 मास होते हैं है ना, 12 महीना होते हैं, और आपको पता है कि भारत में 12 मासा जो है राधा और कृष्ण की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। भारत में 12 मासा राधा कृष्ण की पूजा की जाती है, तो भारत 12 मासा के रचनाकार कौन होंगे, राधा कृष्णदास है ना। बोले सर भारत में 12 मासा राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है, इसलिए राधा कृष्णदास इसके रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, पावस पचासा की रचनाकार कौन है। दोस्तों 4 विकल्प हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक क्या आ रहा है, पाँव है ना, और एक क्या आ रहा है, 50। अब आपको पाँव 50 बार पढ़ना है, किसके, अम्बे, आप वो आरती करते ना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, पढ़ते ना आरती, वो ही है, पाँव 50 बार पढ़ना है बोले अम्बे के, तो अम्बे से बनेगा अम्बिका दत्त व्यास,
अंबिका दत्त व्यास, पाव पचासा, पावस पचासा, इस प्रकार से पावस पचासा। और अंबे की पढ़ना है तो अंबिका दत्त व्यास की रचना होगी, कौन सी, पावस पचासा। कितनी बार पढ़ना है, 50 बार, किसके, अंबे के, तो अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अगला है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि भारत दुर्दशा है ना, अब यहाँ पर भारत आ रहा है और भारत दुर्दशा, तो ये भी रचना किसकी होगी, भारतेंदु की होगी, है ना। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना है ना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत दुर्दशा भारतेंदु की है ना। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते लोग, इस प्रकार से आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत धर्म की रचनाकार कौन है। दोस्तों भारत धर्म, और आपको पता है कि भारत में जब लोग धर्म करते हैं तो दोस्तों किसके पास जाते हैं, अंबे, अंबे माता है ना, काली जी के पास जाते हैं, बोले हम तो धर्म करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बोले अंबे के पास जा रहे हैं, अंबे। तो भारत में धर्म करते हैं लोग अंबे के पास जा करके, तो अंबिका दत्त व्यास है ना, अंबिका दत्त व्यास। भारत धर्म के रचनाकार कौन होंगे, अंबिका दत्त व्यास, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश दशा के रचनाकार कौन है। दोस्तों देश दशा, देश दशा बताना है दोस्तों, अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण सोचते होंगे कि अपने समय में भारत की दशा बहुत अच्छी थी है ना, बहुत प्रेम करते थे लोग, अब देखो देश की दशा कैसी हो गई, देश की दशा कैसी हो गई, कौन सोच रहे हैं, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण दास है ना, राधा कृष्ण दास, देश की दशा है ना। अब याद रख लेना, कभी नहीं बोलना, कौन सोच रहे हैं देश की दशा कैसी हो गई, राधा कृष्ण दास, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, लोकोक्ति मतलब लोक में प्रचलित जो उक्ति होती हैं, और लोक में प्रचलित जो उक्ति होती हैं इनका प्रताप बहुत होता है। दोस्तों आपने अंदाज किया होगा अपने आसपास पड़ोस में अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोकोक्ति फेंक देते हैं, एक आध कुछ कुछ होता है और डायलॉग में लोकोक्ति फेंक देते हैं, तो लोकोक्ति का प्रताप बहुत होता है। क्या होता है, प्रताप, तो लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन होंगे, बोले सर लोकोक्ति का प्रताप होता है, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र, लोकोक्ति शतक। ठीक है, याद रखेंगे, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों दशरथ विलाप, दशरथ विलाप के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं, और दोस्तों आपको पता है कि जो दशरथ विलाप है, ये दशरथ विलाप भारत के लोगों ने देखा कि अमेरिका के लोगों ने देखा, जब रामायण चल रही थी लॉकडाउन में, तो क्या चल रही थी, रामायण, और रामायण में जब वनवास हुआ राम जी को, तो दशरथ विलाप कर रहे थे, और दशरथ विलाप कर रहे थे तो ये भारत के लोगों ने देखा, भारत के जन बच्चों ने देखा, तो दशरथ विलाप के रचनाकार कौन होंगे, भारत के ने देखा तो भारतेंदु है ना, अमेरिका वालों ने तो नहीं देखा है ना, भारत के लोगों ने देखा तो भारतेंदु। ठीक है, अगला है वर्षा विनोद और फूलों के गुच्छा के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको याद रख लेना है, भारतेंदु को भारत से जोड़ना है, बस भारतेंदु को भारत से, और आपको पता है कि भारत में ऐसी वर्षा होती है, ऐसी वर्षा होती है कि पेड़ों में एक फूल नहीं पूरा गुच्छा ही फूलता है ना, भारत में ऐसी वर्षा होती है कि पेड़ों में एक फूल नहीं पूरा फूल का गुच्छा फूलता है, कहाँ पर, भारत में, तो भारत में वर्षा होती है तो वर्षा विनोद है ना, और फूलों का गुच्छा फूलता है तो फूलों का गुच्छा, ये भी भारतेंदु की है, वर्षा विनोद भी किसकी है, भारतेंदु की है। ठीक है, और एक जगत विनोद पूछी जाती है दोस्तों, जगत विनोद ये रत्नाकर जी की है ना, और आपने एक मिश्र बंधु की जो रचना है वो आपको बतानी है, वो कौन सी विनोद है ना, तो वर्षा विनोद और फूलों की गुच्छाई किसकी है, भारतेंदु जी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सौ अजान एक सुजान की रचनाकार कौन है। दोस्तों सौ अजान एक सुजान, बोले ऐसा क्या है सुजान में कि सौ अजान और एक सुजान, ऐसा क्या है सुजान में, तो बोले भैया सुजान के बाल बहुत अच्छे हैं। क्या हैं सुजान, क्या आपने देखा होगा घनानंद जी की प्रेमिका का नाम था सुजान है ना, अब बोले सौ अजान और एक सुजान, तो बहुत सारे लोग बोले यार सुजान में ऐसा क्या है, तो बोले सुजान के बाल बहुत अच्छे हैं, तो बाल से बनेगा बालकृष्ण भट्ट, सुजान के क्या हैं, बाल बहुत अच्छे हैं, एक अजान और सौ सुजान है ना, एक इसकी है बालकृष्ण भट्ट जी का है ना, ये सार नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। हिंदी प्रदीप के ये रचनाकार थे,
तो हमने आपको याद करवाई थी ट्रिक कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। तो प्रदीप हिंदी प्रदीप और बाल से बालकृष्ण भट्ट, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, और चार विकल्प हैं, दो सेकंड है। नूतन मतलब होता है नया, नूतन मतलब होता है क्या, नया। अब नया ब्रह्मचारी, नया ब्रह्मचारी कौन बनेगा, कोई बालक ही बनेगा, कोई बाल बनेगा, है ना। तो आपने एक सुना होगा बाल ब्रह्मचारी और एक सुना यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी। बोले सर कोई नया बाल ब्रह्मचारी बनेगा तो वो बाल बनेगा, तो बालकृष्ण भट्ट, है ना। कोई बालक बनेगा तो बालकृष्ण भट्ट, और इसको बाल ब्रह्मचारी कर दो, बाल ब्रह्मचारी। तो ये बालकृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है। ए नंबर, सी नंबर आपका बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बाल विवाह नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों, बाल विवाह नाटक। अब यहाँ तो सीधा सीधा है कि यहाँ पर बाल आया है और यहाँ पर भी बाल आ गया, तो बाल विवाह के बालकृष्ण भट्ट हैं, है ना। तो सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों लालित्य लहरी की रचनाकार कौन है, लालित्य लहरी, और चार विकल्प हैं। और दोस्तों आपको पता है कि कुछ लोग बहुत लालायत रहते हैं काय के, प्रेम के। आपने वो गाना सुना होगा कौन सा, कि हायो रब्बा दिल करता है देखो अजब तमाशे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। तो कुछ दोस्तों क्या है, प्रेम के बहुत प्यासे रहते हैं, लालायत रहते हैं, लालायत। तो ये लालित्य से लालायत, है ना। तो लालित्य लहरी, अभी आपने साहित्य लहरी पढ़ी होगी, है ना, लेकिन अब लालित्य लहरी। तो ये लालित्य लहरी से लालायत, बोले लालायत रहते हैं काय के, प्रेम के। तो ये प्रेम की रचना है, प्रेम घन की रचना है, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लालायत रहते हैं काय के, प्रेम के। तो लालित्य लहरी प्रेम घन की है, है ना। और ललित ललाम एक पूछी जाती है, ललित ललाम मतिराम की रचना है ना। तो ललित ललाम रीतिकाल में मतिराम की है, लालित लहरी ये भारतेंदु युग में प्रेम घन की है, क्योंकि लालित से लालायत रहते हैं प्रेम के, ठीक है। श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, ये किसकी रचना है दोस्तों, आपको श्यामा से श्याम और श्याम कृष्ण को बोलते हैं, और कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, मोहन। तो मोहन की होगी जगमोहन सिंह ठाकुर, है ना। श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, है ना। तो श्याम किसको बोलते हैं, मोहन को। तो जग ठाकुर जगमोहन सिंह की ये दोनों रचना है, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, ठीक है। किसकी है, जगमोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन है बंदर सभा के रचनाकार कौन है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि भारत में बंदर की भी सभा होती है, भारत में बंदर की भी सभा होती है, अमेरिका अमेरिका में नहीं होती, कहाँ होती है, भारत में। तो भारत में बंदर सभा होती है, तो बंदर सभा के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे। बंदर सभा भारत में होती है तो कौन होंगे, भारतेंदु की प्रेम घन, भारतेंदु होगी ना, भारत में होती है बंदर सभा, तो भारतेंदु जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देवयानी की रचनाकार कौन है दोस्तों। देवयानी, देव, देव यानी क्या होता है, देव यानी, बोले सर देव यानी होता है मोहन, यानी कि कृष्ण जी। देव यानी मोहन, देव यानी मोहन। अब बोलते ना कि देव यानी क्या होता है, देव का मतलब क्या होता है, ऐसे करते ना, तो देव यानी मोहन, देव यानी मोहन, ठीक है। तो देव यानी के रचनाकार कौन होंगे, जगमोहन सिंह ठाकुर, जगमोहन सिंह, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है अलौकिक लीला के रचनाकार कौन है दोस्तों। आपको पता है कि पहले क्या करते थे, जो भगवान थे वो क्या करते थे, प्रेम करते थे, तो बोले ये तो अलौकिक लीला है, भगवान प्रेम करते थे तो अलौकिक लीला है, तो क्या करते थे, प्रेम, तो प्रेम से प्रेम घन, अलौकिक लीला, है ना। बोले ये तो अलौकिक लीला है, प्रेम की अलौकिक लीला, प्रेम की अलौकिक लीला, याद रख लेना इस प्रकार से, प्रेम की अलौकिक लीला। सबसे पहली जो आपकी रचना है, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है। दो सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको उत्तर कमेंट में लिखना है। और दोस्तों जब तक मैं आपको बता दूं कि वनवास किसको हुआ था, अयोध्या के राजा राम को हुआ था, किसको हुआ था, अयोध्या के राजा राम को वनवास हुआ था, है ना। तो अयोध्या से उपाध्याय आपका उत्तर होगा, और जब ये वनवास हुआ तो ये अपने प्रिय को लेकर प्रवास कर गए थे, वन को प्रवास कर गए थे, है ना। तो प्रिय को, तो प्रिय प्रवास, है ना। और अयोध्या के राजा किसको,
राम को वनवास हुआ था, तो वैदेही वनवास वनवास हुआ था अयोध्या के राजा राम को, तो अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की रचना होगी, और ये प्रिय को ले गए थे तो प्रिय प्रवास भी इन्हीं की रचना हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों याद रख लेना है ये दोनों ही रचना वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास किसकी हैं, उपाध्याय हरिओत जी की हैं, और प्रिय प्रवास ये हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार कौन है दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो कौन होंगे, उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी। कौन है, त्रिपाठी, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये राम नरेश त्रिपाठी की चारों रचनाएं हैं, इनको याद कर लेना, इनका क्रम भी यही है दोस्तों। मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, मिलन के पथ में मानसी, इनका क्रम भी सबसे पहले मिलन, फिर पथ, फिर मानसी और स्वप्न, इनका क्रमबद्ध भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, है ना। कैसे याद करोगे, मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं का एक ट्रिक हो जाएगी जो आपको याद रख लेना है, और ये रचनाएं त्रिपाठी जी की हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन है, दोस्तों आपको पता है कि जब इस प्रकार से पानी नहीं गिरता तो कृषक क्या करता है, क्रंदन करता है, और क्रंदन इसका ईश्वर के पास गया, गया क्या, क्रंदन गया, तो क्रंदन गया, तो गया से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, क्रंदन गया, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तो कृषक का क्रंदन गया, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाकार जो है कृषक क्रंदन के रचनाकार हो जाएंगे इस प्रकार से। अब कभी भी आपकी रचना पूछी गई बोली कृषक क्रंदन, तो आपको याद आएगा क्रंदन गया, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला हिंडोला के रचनाकार कौन है, दोस्तों चार विकल्प है, चार में से आपको बताना है, और आपको पता है कि आपको याद कर लेना है जगन्नाथ का हिंडोला, जगन्नाथ का हिंडोला, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जगन्नाथ का हिंडोला, तो हिंडोला रचना और ये किसकी हो जाएगी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये देखो चित्र में जगन्नाथ का हिंडोला, जगन्नाथ का हिंडोला, अब कभी भूलोगे आप नहीं भूल पाओगे, जगन्नाथ का हिंडोला, बोले हिंडोला रचना किसकी है, बोले जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है संपत्ति शास्त्र की रचनाकार कौन है, दोस्तों चार विकल्प हैं, चार में से चयन करना है, और आपको पता है अगर आप महावीर की भक्ति करोगे तो आपके पास संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, किसकी भक्ति करोगे, महावीर भगवान की भक्ति करोगे तो आपके पास संपत्ति की क्या नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी, तो महावीर से बनेगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर से क्या बनेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, बोले महावीर की भक्ति करेंगे तो संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर द्विवेदी योग का नाम पड़ा था। ठीक है, भारत भारती की रचनाकार कौन है, दोस्तों चार विकल्प हैं, भारत भारती, और आपको पता है कि हम भारत भारती की शरण में हैं, हम लोग क्या हैं, भारत भारती की, माँ भारती की शरण में हैं कि नहीं है, चित्र में देखो जरा, माँ भारती की शरण में हैं हम लोग, है ना, माँ भारती की शरण में, तो भारत भारती की शरण, तो मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती की शरण में है तो मैथिली शरण गुप्त, है ना, शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के इसके रचनाकार हो जाएंगे, है ना। रस कलश के रचनाकार कौन है, दोस्तों रस कलश, ये देखो रस का कलश औंधा दिया, औंध दिया, है ना, रस का कलश औंध दिया, तो रस कलश के रचनाकार कौन होंगे, औध दिया तो हरिओध, है ना, रस का कलश हरि के ऊपर औंध दिया, हरि मतलब भगवान, भगवान के ऊपर औंध दिया, तो रस कलश हरि के ऊपर औंध दिया, चित्र में देखो हरि के ऊपर औंध दिया, है ना, औंध दिया ना, तो हरिओध, रस कलश रचनाकार हरिओध की है। ठीक है, अगला है काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है, दोस्तों चार विकल्प हैं, चार सेकंड में आप उत्तर बताएंगे, ट्रिक भी आपके सामने है कि महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है, महावीर का काव्य कौन पढ़ती है, मंजूषा पढ़ती है,
तो काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है, याद रखेंगे आप, महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है ना। तो काव्य मंजूषा के रचनाकार जो होंगे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। अगला है दोस्तों, रंग में भंग के रचनाकार कौन है? रंग में भंग, दोस्तों आप रंग बना रहे थे, रंग बना रहे थे और मैंने मेथी डाल दी, मेथी डाल दी, तो आप बोलोगे यार रंग में भंग कर दिया आपने, रंग में भंग कर दिया, क्या डाल दी? मेथी डाल दी तो रंग में भंग कर दिया। तो रंग भंग के रचनाकार कौन होंगे? मेथी डाल दी तो मैत्री शरणगुप्त, रंग में भंग कर दिया मेथी डाल के, तो रंग में भंग ये रचना किसकी होगी? मैत्री शरणगुप्त की, अधिकांश लोगों को पता है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों यहाँ पर शंकर आ रहा है, यहाँ पर भी शंकर आ रहा है, तो उत्तर में भी शंकर आएगा, नाथूराम शर्मा शंकर। शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व के रचनाकार कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर हैं, यानी यह नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है राम रावण विरोध की रचनाकार कौन है? दोस्तों राम और रावण का क्या है, एक दूसरे से विरोध चलता था और राम और रावण के विरोध में कोई राय नहीं देना, है ना। मैंने कहा राम और रावण के विरोध में राय नहीं देना, कुछ लोग बोले सर राय देवी, अपन तो राय देवी, तो राय देवी, राम रावण के विरोध में अपन तो राय देवी, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, राम रावण के विरोध में राय देवी, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण। ठीक है, ठीक है, राम रावण के विरोध में राय देवी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सा नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रवासी के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं दोस्तों, आपको पता है प्रवासी मतलब क्या होता है? प्रवासी, प्रवासी पक्षी नाम सुना होगा, प्रवासी पक्षी मौसम के अनुसार जहां भी उनके अनुकूल मौसम होता है वहां चले जाते, मतलब यहां वहां भागते रहते हैं, वैसे ही प्रवासी, प्रवासी यहां वहां भागते हैं, मतलब यहां वहां अपने लोचन से देखते रहते हैं कहां मौका है कहां अच्छा है, वहां भागते रहते हैं। तो कैसे देखते हैं? अपने लोचन से देखते हैं, लोचन से, प्रवासी लोचन से देखते हैं कि हमें किस ओर जाना है, कहां भागना है प्रवासी लोग, तो लोचन प्रसाद पांडे की रचना हो जाएगी प्रवासी। ठीक है, याद रख लेना। अगला है वीर बालक के रचनाकार कौन है? नाथुराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण, या फिर लाला भगवान दीन। और वीर बालक के जो रचनाकार हैं, आपको पता है दोस्तों कि जब भगवान का जन्म होता है तो वीर बालक के रूप में होता है, आपने देखा होगा, इतनी सारी लीलाएं देखी होंगी, है ना। कृष्ण की ही बात कर लो, कृष्ण जी का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ तो वीर बालक के रूप में हुआ। तो भगवान का जन्म होता है तो कैसे होता है? वीर बालक के रूप में। तो वीर बालक के रचनाकार कौन होंगे? लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन, है ना। भगवान का जन्म वीर बालक के रूप में होता है तो वीर बालक के रचनाकार लाला भगवान दीन। ठीक है, अगला है दोस्तों रामचरित चिंतामणि के रचनाकार कौन है? और चार विकल्प हैं, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण, या फिर लाला भगवान दीन। तो आपको पता है कि रामचरित चिंतामणि यानी कि ये जो रचना होगी वो किसकी होगी? रामचरित उपाध्याय की। रामचरित चिंतामणि के रचनाकार रामचरित उपाध्याय, यानी आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट है भारत गीत के रचनाकार कौन है? दोस्तों चार विकल्प हैं, हमने भारत भारती पढ़ा था, किसका? भारत भारती, अपने मैत्री शरणगुप्त की रचना पढ़ी थी। ठीक है, और ये भारत गीत पूछा गया है, तो पाठक लोग क्या करते? भारत के गीत गाते हैं, पाठक भारत के गीत गाते हैं, कौन गाते हैं? पाठक, तो श्रीधर पाठक, तो पाठक भारत के गीत गाते हैं, तो भारत गीत के रचनाकार कौन होंगे? श्रीधर पाठक, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर। ठीक है, अगला है आवाहन के रचनाकार कौन है? दोस्तों आहान जिसे बोलते हो आप, आहान के रचनाकार कौन है? तो वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। और दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो हम कृष्ण का क्या करते हैं? आवाहन करते हैं, कृष्ण जी आओ मेरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ, है ना। इस प्रकार से क्या करते? आवाहन करते हैं, कृष्ण जी आओ और मेरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ। तो किसका आवाहन करते हैं हम? कृष्ण का। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी है? आवाहन, है ना, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बा नंबर।
नेक्स्ट है यशोधरा और साकेत के रचनाकार कौन है, चार विकल्प है और चार में से चयन करना है। और रामचरित उपाध्याय, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैत्री शरण गुप्त, लाला भगवान दीन। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि यशोधरा और साकेत ने मैथिली, है ना, जब दसवीं पास हो जाती है उसके बाद सब्जेक्ट लेना पड़ता है इस प्रकार से, तो यशोधरा और साकेत ने क्या ली, मैथिली। तो यशोधरा और साकेत के रचनाकार कौन होंगे, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अब याद रख लेना, यशोधरा और साकेत ने मैथिली, यशोधरा और साकेत ने क्या ली, मैथिली। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना होगी। ये खंड काव्य है यशोधरा और ये साकेत महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं, है ना, याद रखना। और 12वें सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन भी है। नेक्स्ट है स्वदेशी कुंडल की रचनाकार कौन है। दोस्तों अब अगर कोई कुंडल खरीदना है, किसी को मतलब सोने के कुंडल खरीदना है, तो अपन क्या करेंगे, स्वदेशी की राय दोगे कि चाइना के खरीदवा दोगे, स्वदेशी की राय देवी, स्वदेशी की राय देवी। बोले सर अपन तो स्वदेशी की राय देवी, है ना, स्वदेशी की राय देवी। तो स्वदेशी कुंडल राय देवी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, स्वदेशी की राय देवी, काई की राय देवी, स्वदेशी की। तो सार नंबर आपका बिल्कुल, स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन हो जाएंगे, राय देवी प्रसाद पूर्ण। विकट भट्ट के रचनाकार कौन है दोस्तों, विकट भट्ट, चार विकल्प है और चार में आपको याद रखना है कि रामचरित उपाध्याय की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, मैत्री शरण गुप्त की है या फिर लाला भगवान दीन की है। तो याद रख लेना है आपको, आपका सही उत्तर हो जाएगा मैत्री शरण गुप्त की। मैथिली का विकेट गिर गया, मैथिली का विकट गिर गया, मैथिली का दे देखो विकट गिर गया। तो विकट भट्ट की रचनाकार कौन होंगे, बोले सर मैथिली का विकट गिर गया, विकट गिर गया तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, विकट गिर गया और विकट भट्ट, मैथिली शरण गुप्त, है ना। अगला है उद्धव शतक और गंगा अवतरण की रचनाकार कौन है, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर लाला भगवान दीन। चार विकल्प हैं, चार में से आपको चयन करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको शेयर भी करना है, ठीक है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि उद्धव शतक और गंगा अवतरण के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर ने गंगा अवतरण में शतक लगाया, रत्नाकर ने गंगा अवतरण में शतक लगाया, गंगा अवतरण से गंगा अवतरण शतक लगाया, तो उद्धव शतक, ठीक है। रत्नाकर ने कब लगाया, गंगा अवतरण में शतक लगाया। रामायणी महाकाव्य के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, दो सेकंड में आप अपने उत्तर का बताना है दोस्तों। और यहाँ पर चित्र में देखना दोस्तों, ये कामायनी रचना है और ये महाकाव्य है। और आपको पता है कि आप कामना करने जाते हो कहाँ पर, जयशंकर के प्रसाद, शंकर जी के पास जाते हो ना, भगवान मुझे परीक्षा पास करवा देना, तो क्या करने जाते हो, कामना करने जाते हो। तो कामायनी महाकाव्य किसका होगा, शंकर जी के पास जाते हो तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और ये कामायनी दोस्तों आपको, ये आपको रचना दिख रहा है, ये रचना है, ये बुक है और ये जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। और ये महाकाव्य है, कितने सर्गों का महाकाव्य है, 15 सर्गों का महाकाव्य है दोस्तों, और 1935 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो याद रख लेना, छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं दोस्तों, महाकाव्य लोकायतन और कामायनी, ये दोनों ही छायावाद के महाकाव्य हैं। और आपको बताना है दो सेकंड में, और इसकी जो ट्रैक है दोस्तों, लोक में सुमित्रा आए हैं, लोक में सुमित्रा आए हैं, तो लोक में तो लोकायतन और सुमित्रा आए हैं तो सुमित्रा नंदन पंत, ये सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य माना जाता है दोस्तों लोकायतन, ठीक है। यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, आपको ट्रिक याद रखनी है, लोक में सुमित्रा आए हैं, लोक से लोकायतन और सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। पल्लव के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि जो पल्लव है, इसे छायावाद का घोषणा पत्र, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, पंत जी की प्रसिद्धि का आधार भी कौन सा है, पल्लव ग्रंथ है, और ये किसकी है, पंत जी की है, सुमित्रा नंदन पंत, और इन्हें प्रकृति का चेतेरा कवि भी कहा जाता है ना, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चेतेरा कवि। और दोस्तों सुमित्रा से पल्लव पड़ा है, आप बोलते ना कि किससे पाला पड़ गया यार, वही है, सुमित्रा से पाला पड़ा है, सुमित्रा से पल्लव पड़ा है, ठीक है। तो सुमित्रा से पल्लव पड़ा, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी पल्लव। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला,
महादेवी वर्मा। और आपको पता है दोस्तों, तुलसीदास एक श्रेष्ठ कवि हैं और तुलसीदास रचना भी है। तो तुलसीदास निराला कवि है, तुलसीदास निराला कवि है, तो तुलसीदास तो निराला कवि है ही दोस्तों। और तुलसीदास जो रचना है ये भी निराली रचना है, यानी कि निराली से और निराला से आपका निराला सा नंबर सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना, तुलसीदास निराला कवि है, ठीक है। तो ये तुलसीदास रचना निराला की हो जाएगी, ठीक है। अगला है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। बहुत ही बढ़िया रचना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और राम की शक्ति की पूजा कौन करते हैं, निराले व्यक्ति करते हैं, है ना। या फिर राम की शक्ति पूजा निराली है, राम की शक्ति पूजा निराली है, राम की शक्ति पूजा निराले व्यक्ति करते हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, निराला, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यामा के रचनाकार कौन है दोस्तों, यामा, जैसे कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। और आपको पता है कि आप बोलते ना यामा, यामा, माँ बोलते किसे, महादेवी को, महादेवी को माँ बोलते हैं। तो ये यामा भी रचना किसकी हो जाएगी, महादेवी वर्मा की हो जाएगी, ठीक है, याद रख लेना। छायावाद की श्रेष्ठ कवित्री हैं दोस्तों, इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है ना, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को, है ना। और चित्ररेखा के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, दो सेकंड हैं दोस्तों आपके, और आपको बताना है और आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। चित्ररेखा ए राम कुमार वर्मा, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा, चित्र रेखा, तो राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा, ये आपकी ट्रिक है। तो चित्र रेखा है ना, चित्र रेखा ने देखा किसका, राम कुमार का। तो चित्र रेखा के रचनाकार कौन होंगे, राम कुमार वर्मा। अब याद रख लेना आप कैसे याद रखोगे, राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा, तो चित्र रेखा राम कुमार वर्मा की रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा के रचनाकार कौन है। चार विकल्प आपके पास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। इनमें से दो सेकंड में आपको बताना है कि निहार, रश्मि, नीरजा है ना, सांदगीत और दीपशिखा। और आपको पता है दोस्तों कि ये पूरी ही रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा की हैं, महादेवी वर्मा, यानी कि चार नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है प्रभात में, सबसे पहले जब हमारा सुबह होता है, प्रभात होता है, तब निहार आता है, निहार यानी कि ओस, ओस आता है, आता है कि सुबह सुबह की नहीं, ओस आता है, तो निहार आता है, निहार, ठीक है। फिर क्या आती है, रश्मि यानी कि सूरज की ज्योति आती हैं, तो रश्मि आती है, ठीक है, फिर रश्मि आती है। और फिर दोस्तों नीरजा खिलती है, यानी कि जो है कमल खिलता है ना, कमल खिलता है, तो नीरजा खिलता है, ठीक है। फिर सांदगीत, फिर सांदगीत में हम क्या करते हैं, सांदगीत की बेला आती है, शाम को सांदगीत की बेला आती है, और उसके बाद हम महादेवी को क्या जलाते हैं, दीपशिखा जलाई जाती है, महादेवी को दीपशिखा जलाई जाती है। तो अब याद रख लेना आप, थोड़ा सा अपना मुँह ऊपर करो और देखो कि सबसे पहले प्रभात आता है ना, प्रभात आता है, फिर दोस्तों रश्मि आती है ना, फिर रश्मि आती है, फिर नीरजा खिलता है, फिर सांदगीत गाते हैं, सांदगीत की बेला आती है, और फिर महादेवी के सामने हम दीपशिखा जलाते हैं। तो ये चारों ही रचनाएं जो हो जाएंगी, पांचों रचनाएं किसकी होंगी, महादेवी वर्मा की, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और अगला देखो दोस्तों, नए पत्ते के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, कौन है। ये सारी की सारी रचना, ये सारी की सारी जो PDF स्टडी मटेरियल है दोस्तों, वो ज्वाइन मेंबर को ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में मिल पाएंगे, ठीक है। नए पत्ते के रचनाकार कौन है, और आपको पता है दोस्तों ये नए पत्ते है ना, ये किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और आपने पेड़ में देखे होंगे जब नए पत्ते आते हैं तो बिल्कुल निराले पत्ते होते हैं, कैसे होते हैं, निराले होते हैं, नए पत्ते निराले होते हैं, तो नए पत्ते के रचनाकार कौन होंगे, निराला जी, ठीक है। अगला है निर्माल्य एक तारा के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और दोस्तों आपको पता है कि निर्मल एक तारा का वियोगी है, निर्मल एक तारा का वियोगी है, तो निर्मल से निर्माल्य, एक तारा से एक तारा का वियोगी है, सो मोहनलाल महतो वियोगी, ये वियोगी की रचनाएं हैं, कौन सी, निर्माल्य और एक तारा। कैसे याद किया, आपको ट्रिक दी कि निर्मल
एक तारा का वियोगी है, निर्मल एक तारा का वियोगी है, तो निर्मल और एक तारा के रचनाकार कौन होंगे? मोहनलाल महतो वियोगी। ठीक है, पंची और रागिनी के रचनाकार कौन है दोस्तों? गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रानंदन पंत, मोहनलाल महतो या फिर महादेवी वर्मा। पंची और रागिनी, और प्रश्न क्रमांक 11 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रागिनी का नेपाली पंछी, रागिनी का नेपाली पंछी। तो रागिनी से रागिनी और नेपाली से हो जाएंगे आपके कौन? गोपाल सिंह नेपाली और पंछी से पंछी। तो पंछी और रागिनी जो रचना है वो किसकी है? गोपाल सिंह नेपाली की। आपको ट्रिक याद रखना है रागिनी का नेपाली पंछी, रागिनी का नेपाली पंछी। तो रागिनी और पंछी ये गोपाल सिंह नेपाली की रचना हो जाएंगी। ठीक है, अगला है दोस्तों अमृत और विष की रचनाकार कौन है? अमृत और विष चार विकल्प हैं, और दोस्तों अगर आपने विष को अमृत समझकर पी लिया तो आपका उदय नहीं हो पाएगा। फिर क्या नहीं हो पाएगा? उदय नहीं हो पाएगा। तो अमृत और विष के रचनाकार कौन होंगे? बोले सर हमने विष को अमृत समझकर पी लिया और फिर उदय नहीं हुआ कभी। तो उदय शंकर भट्ट है ना, उदय शंकर भट्ट। और ये एक रचना अमृत और विष अमृतलाल नांगर की भी है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये अमृत और विष जो रचना है ये किसकी है? उदय शंकर भट्ट की भी है। ठीक है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कलापी के रचनाकार कौन है? कलापी दोस्तों यहां पर देखो कला, एक कला लिखा है और आप बोलते हो सर मुझे कला सीखना है। मैंने बोला कितनी कला सीखना है? तो आपने कहा सर मुझे 80 कला सीखना है। कितनी सीखना है? 80। तो कला से कलापी और कला सीखना है कितनी? 80। तो आरसी प्रसाद सिंह, आरसी 80 से आरसी, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है कलापी। कई बार पूछी गई है, आप कभी नहीं भूलना कितनी कला सीखना है? 80 कला सीखना है, 80। ठीक है, अगला है अंतरध्वनि के रचनाकार कौन है दोस्तों? अंतरध्वनि, अंतर की ध्वनि मतलब अंदर की ध्वनि को जानो, अंतर की ध्वनि को जानना है। तो जानना है तो जनार्दन झा, जनार्दन है ना, अंतर ध्वनि को क्या करना है? जानना है। जनार्दन, जनार्दन झा द्वज की रचना हो जाएगी। बी नंबर, अंतर ध्वनि के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे सर अंतर की ध्वनि को जानना है तो जनार्दन झा। ठीक है, अगला है मानसी राका और विसर्जन की रचनाकार कौन है दोस्तों? एक मानसी राम त्रिपाठी जी की भी है, ठीक है, और याद रख लेना है। और ये मानसी जो रचना है ये आपकी उदय शंकर भट्ट की भी है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे मानसी राका और विसर्जन। मानसी रुको, उदय शंकर का विसर्जन मत करना। मानसी रुको, उदय शंकर का विसर्जन मत करना। तो मानसी से मानसी, रुको से राका और विसर्जन से विसर्जन। मानसी राका और विसर्जन है ना, और अमृत और विष, ये चार रचनाएं इनकी हैं कौन की? उदय शंकर भट्ट की। मानसी रुको, उदय शंकर का विसर्जन मत करना। मानसी रुको, उदय शंकर का विसर्जन मत करना, ये किसकी रचनाएं हो गई? उदय शंकर भट्ट, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं दोस्तों, जरा इस चित्र को देखो, कुकुरमुत्ता ये किसकी है? ये देखो बिल्कुल निराला होता है दोस्तों, ये कुकुरमुत्ता देखो कैसा छत्ता सा बना है, निराला ही होता है। आप देखो जरा निराला, ये निराला होता है कुकुरमुत्ता। तो ये कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन होंगे? निराला है ना। बोले सर कुकुरमुत्ता चित्र में देखा, ये निराला होता है, तो निराला की रचना हो जाएगी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला देखो खादी के फूल की रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, और दोस्तों ये संयुक्त रचना मानी जाती है दो कवियों की, और वो कवि कौन से हैं? बच्चन के पंक्ति ने खादी के फूल पहने। अपन बोलते ना नाती पंक्ति, तो बच्चन के पंक्ति ने खादी के फूल पहने, याद रख लेना है ना, बच्चन के पंक्ति ने खादी के फूल पहने। तो ये खादी के फूल रचना है और बच्चन के पंक्ति ने पहनी, तो बच्चन और पंत, बच्चन और पंत की ये संयुक्त रचना मानी जाती है दोनों की, यानी कि विकल्प नंबर आपका सा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। खादी के फूल बच्चन के पंक्ति ने पहले है ना, बच्चन के पंक्ति ने खादी के फूल पहने, ये ट्रिक है आपकी। तो खादी के फूल जो रचना है ये बच्चन और पंत की हो जाएगी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है करुणालय और आंसू की रचनाकार कौन है दोस्तों? आपको ट्रिक कौन सी अच्छी लगी है वो आप बता देना, और आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं है ना, जुड़ना चाहते हैं,
तो आपको चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना पड़ेगा। ज्वाइन मेंबर का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है और जो है सब्सक्राइबर मेंबर का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। तो ज्वाइन मेंबर को विशेष जो है यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रेषित किया जाता है दोस्तों, और सब्सक्राइब मेंबर को टेस्ट आदि बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो आप ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और वहाँ से आप कुछ राशि पे करके जो है ज्वाइन मेंबर बन सकते हो। करुणालय और आंसू के रचनाकार कौन है दोस्तों? आपको पता है कि करुणालय आंसू, करुणा के आंसू, हम पढ़ते ना करुणा के आंसू, शंकर जी के सामने करुण के आंसू, ऐसे लिख लो, शंकर जी के सामने करुण के आंसू बहाते हैं, करुणा के आंसू बहाते हैं, करुण से करुणा कर दो, करुणा के आंसू बहाते हैं किसके सामने? शंकर जी के सामने। तो शंकर जी यानी कि जयशंकर प्रसाद, वैसे तो करुणालय और आंसू सभी को पता होगा लेकिन याद रख लें कि जो है शंकर जी के सामने करुणा के आंसू बहाते हैं, करुणा के आंसू तो करुणालय और आंसू, ठीक है। इस प्रकार से कामायनी इनकी हम रचना पढ़ चुके हैं, ठीक है। करुणालय भी है, आंसू भी है, झरना भी है, और वसी एक इनकी रचना भी है, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखेंगे और यहाँ पर शंकर जी के सामने करुणा के आंसू बहाते हैं। लहर, झरना और उर्वशी के रचनाकार कौन है दोस्तों? चार विकल्प हैं, चार में से आपको बताना है और यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लहर। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये शंकर जी बैठे हुए हैं, है ना, शंकर जी बैठे हैं और यहाँ से इनके जटों से लहर निकली, तो लहर निकली तो मानो ऐसा लग रहा था कि झरना निकला है, कोई झरना, है ना। और जब लोगों ने देखा तो लोगों के उर बसी, लोगों के उर मतलब हृदय, और हृदय में बसी, तो ऐसी लहर निकली कि झरना लग रहा था, और जब झरना लोगों ने देखा तो लोगों के उर बसी। तो कहाँ से? शंकर जी की जटाओं से। आप बोलते ना कि गंगा निकली है, तो लहर, झरना और उर्वशी के रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। शंकर जी का नाम आ रहा है तो यहाँ भी शंकर, जयशंकर प्रसाद। कि कृष्णार्जुन युद्ध 1918 के रचनाकार कौन है? अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 4 विकल्प आपके पास हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक रचना आई है कृष्णार्जुन युद्ध। अब दोस्तों एक बात कॉमन सेंस लगाना कि कृष्ण और अर्जुन का युद्ध क्यों हुआ होगा? क्यों हुआ होगा? माखन के चक्कर में। काय के चक्कर में? यहाँ पर देखो, कृष्ण और अर्जुन का, बोले सर कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ था माखन के चक्कर में। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन होंगे? माखन के चक्कर में हुआ तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखन के चक्कर में माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रकार से याद करेंगे, बोले माखन के चक्कर में कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है, जय हिंद के रचनाकार कौन है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जय हिंद रचना भी है, 1948 की है। अब आपको बताना इसके रचनाकार कौन है। तो ट्रिक है दोस्तों, सियाराम की शरण में जय हिंद लिखा। किसकी शरण में? यहां पर चित्र में देखो, सियाराम की शरण में जय हिंद लिखा, ठीक है। तो किसकी शरण में? सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। ये हो जाएंगे दोस्तों आपको जय हिंद रचना है इनकी, 1948 की रचना है। और आपको पता होगा कि जो सियाराम शरण गुप्त हैं, ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, अनुज थे, ठीक है। और इनकी रचना है जय हिंद 1948 की। हमने कैसे याद किया कि सियाराम की शरण में जय हिंद लिखा, तो जय हिंद रचना सियाराम शरण की, ठीक है। अगला है कुमकुम 1936 के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों, 4 में से चयन करना है। और एक चीज बताना कि कुमकुम एक बिंदी आती है, आपको पता होगा, है ना, कुमकुम एक सीरियल भी आता है, कुमकुम एक बिंदी भी आती है। 4 विकल्प में से आप सही बताना और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन कुमकुम। और देखना दोस्तों, आप थोड़ा सा इमेज करना कि ये बाल हैं, यहाँ पर देखो ये बाल हैं, बालों के नीचे आप क्या लगाते हो? कुमकुम लगाते हो, ठीक है। और ये आपकी पलक हैं, दोनों पलकों के बीच में आप कुमकुम लगाते हो, तो बालों के नीचे यानी कि बालकृष्ण भट्ट नीचे कुमकुम लगाते हो तो कुमकुम, और दोनों पलकों के बीच में तो आपलक, पलक के बीच में तो आपलक भी इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। और कौन लगाती है? उर्मिला। कैसे ट्रैक है इसकी? पलक झपकते ही उर्मिला ने बालों के नीचे रश्मि रेखा से कुमकुम लगाई, ठीक है। ये दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ रचनाएं हैं। आपको ट्रैक है कि बाल झपकते ही जो है उर्मिला ने
बालों के नीचे रश्मि रेखा से कुमकुम लगाई, ठीक है, पलक झपकते ही। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और इनकी रचनाएं देखो, क्रमबद्ध कुमकुम 1936 की, अपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, क्वासी 1952, हम बिस्पाई जन्म के 1955 और उर्मिला 1957, ठीक है। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अब आपको याद रख लेना है पलक झपकते ही उर्मिला ने बालों के नीचे रश्मि रेखा से कुमकुम लगाई, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है और इनकी रचनाएं याद हो जाती हैं, साथ ही क्रमबद्ध भी हैं, सन भी आपको दिए हैं, ठीक है। ये उर्मिला हैं और पलक झपकते ही, तो उर्मिला से उर्मिला, पलक से अपलक, बालों के नीचे कुमकुम, तो ये कुमकुम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है इनकी रचनाएं, और इसके पहले के बहुत सारे जो वीडियो हैं वो आपको ज़रूर देखना है दोस्तों, ठीक है। बिखरे मोती और त्रिधारा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और आपको पता है दोस्तों, ट्रिक भी मैंने नीचे दी है कि सुभद्रा के बिखरे मोती की त्रिधारा निकली। सुभद्रा के जो बिखरे मोती थे उनकी कितनी धारा निकली? त्रिधारा निकली। किसकी? सुभद्रा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरे मोती और त्रिधारा, ये रचनाएं दोनों ही इनकी हो जाएंगी, यानी आपका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं। पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और आपको पता है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर को अनल का कवि कहा जाता है, ओज का कवि कहा जाता है। और परशुराम की प्रतीक्षा इनकी दोस्तों बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी गई है। नीचे ट्रिक दी है कि परशुराम की प्रतीक्षा में उर्वशी और रश्मि ने कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि परशुराम की प्रतीक्षा में जो है उर्वशी और रश्मि ने कुरुक्षेत्र में जो है हुंकार भरी। तो इनकी परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मि, कुरुक्षेत्र और हुंकार, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। और एक इनकी रचना और है, कौन सी? रेणुका। रेणुका भी आपको याद रखनी नहीं है, ठीक है, इन्हीं की है, दिनकर जी की। और उर्वशी के लिए दोस्तों इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना? परशुराम की प्रतीक्षा में उर्वशी और रश्मि ने कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार बताना है दोस्तों, मैत्री शरणगुप्त, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। अब एक चीज याद रख लेना दोस्तों, एक रचना है श्याम सगाई, श्याम सगाई रचना किसकी है? नंददास की रचना है। और श्याम की सगाई में दोस्तों हल्दी जरूर लगेगी, क्या लगेगी? हल्दी लगेगी। तो हल्दी लगेगी तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन होंगे? श्याम, श्याम की सगाई में हल्दी लगेगी, ठीक है, श्याम की सगाई में क्या लगेगी? हल्दी लगेगी। तो हल्दी घाटी जो रचना है वो किसकी होगी? श्याम नारायण पांडे, श्याम आएगा, ठीक है, श्याम नारायण पांडे। और श्याम सगाई ये नंददास की रचना है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, है ना। अब मैं पूछूंगा हल्दी किसको लगेगी, बोले सर श्याम की सगाई में। तो श्याम सगाई, नंददास और हल्दी घाटी, ये श्याम नारायण पांडे, ठीक है। अगला है जीवन संगीत के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं दोस्तों। आपको पता है कि जीवन संगीत कब बन जाता है? अगर दोस्तों आप जगन्नाथपुरी चले जाओ तो संगीत जीवन आपका जो है वो संगीत बन जाता है। कहाँ जाना है? जगन्नाथपुरी आपको जाना है तो आपका जीवन संगीत बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर प्रसाद बहुत मिलता है, क्या मिलता है? प्रसाद। तो जीवन संगीत कब बनता है? जब आप जगन्नाथपुरी जाओगे और यहाँ पर प्रसाद मिलता है तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, है ना, प्रसाद मिलिंद, जगन्नाथपुरी में प्रसाद मिलिंद, तो जीवन संगीत बन जाता है, है ना, इस प्रकार से। अब मैं पूछूंगा जीवन संगीत कब बन जाता है, तो आप बताओगे कि सर जगन्नाथपुरी पहुँच जाएँ और वहाँ पर प्रसाद बहुत मिलता है तो जीवन संगीत बन जाता है, ठीक है। तो जीवन संगीत, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, ठीक है। अगला है ज्वाला के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं दोस्तों, मैथिली शरणगुप्त,
श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद या फिर केदारनाथ मिश्र प्रभात। आपको पता होगा कि दोस्तों केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो सभी लोगों ने वहाँ पर जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, जितने लोग बह गए थे, कुछ लोग बेघर हो गए थे, है ना, उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए क्या जलाई थी, ज्वाला जलाई थी, ज्वाला, है ना। ये देखो यहाँ पर ज्वाला जलाई थी कहाँ के लिए, केदारनाथ के लिए। तो ज्वाला के रचनाकार कौन होंगे, केदारनाथ मिश्र प्रभात। अब यहाँ अग्रवाल नहीं जोड़ना, सिंह नहीं जोड़ना, ये केदारनाथ मिश्र प्रभात हैं जिनकी रचना है ज्वाला, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है साहित्य देवता के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं। और आपको पता है दोस्तों कि साहित्य देवता को आपको माखन देना पड़ेगा तभी ये सारी रचनाएं याद होंगी, है ना। बोले साहित्य देवता माखन खा लो लेकिन ये रचनाएं याद हो जाएं, है ना। आप सभी लोग माखन खवा देना साहित्य देवता को, तो माखन खवा देना तो माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, याद रख लेना। अब साहित्य देवता को प्रसन्न करना है तो माखन खवाना पड़ेगा, माखन, है ना। तो साहित्य देवता के रचनाकार माखन खवाना पड़ेगा तो माखनलाल चतुर्वेदी, 1942 की ये रचना है। अगला है मौर्य विजय के रचनाकार कौन है, दोस्तों चार विकल्प हैं और आपने रामायण बहुत देखी है। मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हैं या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं। और आपको पता होगा दोस्तों कि जब श्रीराम विजय प्राप्त करके आए तो इन्हें मौर मुकुट लगाया गया, क्या लगाया गया, मौर मुकुट लगा गया, किसे, सियाराम को, श्रीराम को, ठीक है। तो सियाराम शरण गुप्त की रचना होगी कौन सी, मौर विजय। बोले मौर विजय प्राप्त करे आए तो मौर मुकुट लगाए, देखो चित्र में मौर मुकुट लगाया गया, ये क्या करके आए थे, ये दोस्तों विजय प्राप्त करके आए थे। तो सियाराम शरण गुप्त की रचना होगी कौन सी, मौर विजय, इसको अब याद रखेंगे। अगला है कैदी और कोकिला के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद या माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको पता है दोस्तों कैदी और कोकिला को हमें क्या खिलाना है, माखन खिलाना है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई है दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की, कैदी और कोकिला, है ना। और कैदी और कोकिला को हमें माखन खवा देना है तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कैदी और कोकिला, ठीक है। अगला है सभा का खेल के रचनाकार कौन है, दोस्तों सभा के खेल। और आपको पता है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार की सभा होती है लेकिन कई कई सभा में लोगों के भद्रा भी उतर जाते हैं, अपन बोलते हैं ना सभा में आज उसके भद्रा उतर गए, तो सभा का खेल और सभा में भद्रा उतर जाते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सभा का खेल के रचनाकार कौन होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। बोले सर सभा में तो भद्रा उतर जाते हैं तो सुभद्रा, भद्रा से सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नूरजहां के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भक्त सिंह या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, नूरजहां। और आपको पता है दोस्तों कि नूरजहां आदि के चक्कर में कौन नहीं पड़ते, वो नहीं पड़ते कौन, गुरु भक्त, गुरु भक्त नूरजहां के पीछे नहीं पड़ते, चक्कर में नहीं पड़ते कौन, गुरु भक्त लोग, इन्हें सिर्फ भक्ति से काम होता है, तो गुरु भक्त सिंह, ठीक है। नूरजहां के रचनाकार कौन होंगे, बोले सर नूरजहां के चक्कर में भक्त लोग नहीं पड़ते, गुरु भक्त नहीं पड़ते, तो गुरु भक्त सिंह, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे और ये सिर्फ याद करने का माध्यम है, ठीक है। अगला है कुड़ाल के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। और बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है दोस्तों, कुणाल के रचनाकार कौन है, सोहनलाल द्विवेदी, यानी कि आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी। अगला है आत्म बलिदान के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे, बालकर्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों आपको पता है अगर मैं बोलूं कि आप आत्म बलिदान कर दो, बोलो सर मैं आत्म बलिदान तो कर दूंगा लेकिन मेरे बालों के बलिदान की मत बोलना, मेरे बालों की बलिदान की मत बोलना, मैं सब कुछ बलिदान कर दूंगा बालों के बलिदान की मत बोलना, तो आत्म बलिदान के रचनाकार कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट, बाल की मत नहीं, बाल की मत बोलना, है ना, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट हमने याद किया था दोस्तों, एक हिंदी प्रदीप की रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है लेकिन हिंदी प्रदीप के हमने देखे थे कि प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, है ना, तो प्रदीप यानी हिंदी प्रदीप और हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। उसी प्रकार से आत्म बलिदान तो हम कर देंगे
लेकिन बालों का बलिदान की मत बोलना। तो आत्म बलिदान की रचनाकार कौन होंगे? बाल से होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, अगला है तक्षशिला की रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, और दोस्तों आपको पता होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय बना था, है ना, और जो तक्षशिला है ये बौद्ध शिक्षा बौद्ध धर्म से संबंधित था, यहाँ का जो क्षेत्र था। ठीक है, और तक्षशिला का क्या हुआ था भारत में? उदय हुआ था। तक्षशिला का भारत में उदय हुआ था, तो तक्षशिला के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? तक्षशिला का उदय यानी कि उदय शंकर भट्ट। ठीक है, उदय शंकर भट्ट, अमृत और बिस इनकी एक रचना हमने पढ़ी थी, है ना, अमृत और बिस अमृतलाल लांगर की भी है, अमृत और बिस उदय शंकर भट्ट की भी है ना। तक्षशिला का उदय, ये उदय शंकर भट्ट की रचना है तक्षशिला। अब कैसे याद रखोगे? बोले सर तक्षशिला का उदय, तक्षशिला से तक्षशिला रचना, उदय से उदय शंकर भट्ट इसके रचनाकार। अमीर इरादे गरीब इरादे के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको बताना है, और बहुत ही बढ़िया रचना है। तो आपको पता है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इरादे माखन खाने के रहते हैं। बोले आज माखन मिल जाता। अमीर हो या गरीब हो, सबके इरादे काय के रहते हैं? माखन खाने के रहते हैं। तो गरीब में अमीर इरादे और गरीब इरादे के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है झांसी की रानी कविता के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, मैथिली शरण गोप, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। और दोस्तों आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सबके भद्रा उतार दिए थे। क्या उतार दिए थे? भद्रा। और हम पढ़ते आए हैं कि खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी, है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। तो झांसी की रानी कविता, झांसी की रानी ने भद्रा उतार दिए थे तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला हिमकिरीटनी हिमतरंगणी की रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है हिमतरंगणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 में, है ना, सबसे पहले। और ये रचना किसकी है? और आपको पता है दोस्तों हिम जैसे जम जाता है क्या? माखन। माखन भी हिम जैसे जम जाता है, तो याद रख लेना क्या जम जाता है? माखन। काय के जैसे? हिम जैसे। तो हिम तरंगणी और हिम करटनी माखन जैसे जम जाते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और 1942 की रचना, 1949 की और 1955 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हेमतरंगणी के लिए, सबसे पहले हिंदी में। ठीक है, अगला है पाथेय के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं दोस्तों, और आपको पता है कि दोस्तों सिया और राम को, सिया राम को जब क्या हुआ, वनवास हुआ, तो इनके बहुत सारे पाथेय बने, है ना, आपने नाम सुना होगा। बोले केवट के भाग खुल गए, केवट भी पाथेय बना। ऐसे अनेकों ऋषि मुनि थे जो सियाराम के पाथेय बने। कौन के? सियाराम के पाथेय बने। तो पाथेय के रचनाकार कौन होंगे? सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, तो सियाराम के पाथेय इस प्रकार से आपको याद रख लेना। बोले सियाराम के बहुत सारे पाथेय बने। नींद के बादल 1947 के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं आपके सामने, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर या फिर नागार्जुन। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 2013 में केदारनाथ में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। केदारनाथ में बाढ़ आई थी, ऐसा लग रहा था कि बादल जो है नींद में सो गए हैं, है ना। तो नींद के बादल कहाँ आए थे? केदारनाथ में। नींद के बादल आए थे केदारनाथ में। तो नींद के बादल के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? केदारनाथ अग्रवाल। और यहाँ पर देखो केदारनाथ में नींद के बादल आए और यहाँ पर तबाही मची थी, है ना। तो केदारनाथ में नींद के बादल, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा नींद के बादल के रचनाकार कौन है, तो आप बता दोगे सर नींद के बादल तो केदारनाथ में आए थे, मतलब केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, हिल्लोल के रचनाकार कौन है? दोस्तों चार विकल्प हैं, और आपको पता है कि केदारनाथ जाना जाता है दोस्तों, शिव का एक धाम है, शिव जी का एक धाम है केदारनाथ। और जब केदारनाथ में बाढ़ आई, केदारनाथ में दोस्तों जब पानी की बाढ़ आई तो हिलोर लग रही थी, देखो चित्र में हिलोर लग रही थी, किसे किसे लग रही थी? शिव जी को हिलोर लग रही थी, शिव जी को। तो हिलोर से हिल्लोल, और हिल्लोल के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? शिव मंगल सिंह सुमन। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्या लग रही थी शिव को?
हेलोर लग रही थी, हेलोल, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, दोनों या फिर नागार्जुन? आपको कमेंट में बताना है। और आपको पता है दोस्तों कि शिव जी की जब बारात निकली तो बाराती जो थे भभूत लगाए थे, मिट्टी की भभूत लगाए थे, है ना, भूत भूतूत भी बारात में आए थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मिट्टी की बारात आ रही हो, जैसे मिट्टी की बारात आ रही हो, किसकी? शिव जी की। तो मिट्टी की बारात की रचना किसकी होगी? शिव मंगल से समन और त्रिलोचन भी कहा जाता है दोस्तों, किसको? शिव को। तो त्रिलोचन की भी ये रचना है, शिव मंगल से सुमन की रचना है, है ना, किस कौन सी? मिट्टी की बारात। तो अब आपको याद रख लेना है मिट्टी की बारात किसकी आ रही थी, बोले सर त्रिलोचन की या फिर शिव जी की, तो शिव मंगल से सुमन और त्रिलोचन, ठीक है। यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राय के दीपक 1947 की रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, शिव मंगल से सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन? तो आपको पता है राय के दीपक कौन बने? राय के दीपक, यहां से देखो जरा चित्र में, श्री राम जी आगे आगे चलकर ये राय के दीपक बने हैं। कौन? राघव, है ना, राघव बोलते ना, रघुपति राघव सीताराम, तो राघव क्या बने? राय के दीपक बने। इस प्रकार से राय के दीपक बने राघव, तो राय के दीपक के रचनाकार कौन होंगे? रांगे राघव, ठीक है, रांगे राघव, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको लास्ट में वीडियो के बताना है कि कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, है ना, कौन सी रचना आपको सबसे ज़्यादा याद हुई है। और इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। तालाब की मछलियाँ के रचनाकार कौन है दोस्तों? चार विकल्प हैं और आपको पता है कि तालाब की मछलियाँ कौन खा गया? तालाब की मछलियाँ नाग खा गया, ये नाग है और तालाब की मछलियाँ नाग खा गया। तो तालाब की मछलियाँ कौन खा गया? नाग, तो नागार्जुन, ठीक है, नाग से नागार्जुन, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तालाब की मछलियाँ ये रचना किसकी होगी? बोले सर तालाब की मछलियाँ नाग खा गया, तो तालाब की मछलियाँ की रचनाकार नागार्जुन, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों, कदली बन हंसमाला मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं, त्रिलोचन है, शिवमंगल से सुमन, नागार्जुन या फिर नरेंद्र शर्मा है? तो आपको बताना है। और आपकी सुंदर सी ट्रिक है कि नरेंद्र ने कदली बन में मिट्टी और फूलों की माला बनाई, कहाँ पर, किसने बनाई? नरेंद्र ने, तो नरेंद्र शर्मा कदली बन में, तो कदली बन मिट्टी और फूलों की, तो मिट्टी और फूल और माला से हंसमाला, ठीक है, तो हंसमाला ये रचना हो जाएंगी किसकी? नरेंद्र शर्मा की। अब याद रख लेना है कि नरेंद्र ने कदली बन में मिट्टी और फूलों की माला बनाई, ये आप याद रखेंगे तो नरेंद्र शर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अगला है दोस्तों, युगवाणी ग्राम्या के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, शिवमंगल से सुमन हैं, नागार्जुन या फिर नरेंद्र शर्मा हैं? तो युग की वाणी और ग्राम्या, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? आपको पता है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और युगांत, युगवाणी ये जो रचनाएं हैं ग्राम्या, ये किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी दोस्तों, आपके सुमित्रानंदन पंत जी की, पंत जी यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम्या और युगवाणी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पिघलते पत्थर 1946 के रचनाकार कौन है? आपको पता है दोस्तों कि पत्थर कैसा भी हो, या पत्थर दिल बोलते ना अपन कि वो तो पत्थर दिल है, कोई भी पत्थर दिल हो रघुवीर के पास आ जाए तो पिघलते पत्थर, पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं, तो पिघलते पत्थर कहाँ पर? पिघलते पत्थर कहाँ पर? रांगे राघव के पास, राघव के दरबार में पिघलते पत्थर। तो रांगे राघव की रचना है, 1946 की रचना है, और पिघलते पत्थर कहाँ पर? राघव के दरबार में, है ना, तो रांगे राघव यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी भी आपसे रचना पूछी जाएगी बोले सर पिघलते पत्थर, तो पिघलते पत्थर, पत्थर भी पिघल जाते हैं कहाँ पर? रांगे या फिर राघव के दरबार में, ठीक है। अगला है युगधारा
1953 सतरंगी पंखों वाली की रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। और आपको पता है दोस्तों कि युगधारा और सतरंगे पंखे वाली, तो आपको कैसे याद रख लेना है, एक ट्रिक है कि नागार्जुन की युगधारा सतरंगे पंखे वाली है, नागार्जुन की युगधारा सतरंगे पंखे वाली है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि तालाब की मछलियां नाग खा गया, अब नागार्जुन की युगधारा सतरंगे पंखों वाली है, तो युगधारा और सतरंगे पंखों वाली है ये भी आपकी नागार्जुन की ही होगी। ठीक है, तो नागार्जुन यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रलय और सृजन की रचनाकार कौन है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। आपको पता है कि शिव जी के पास प्रलय भी पलते हैं और सृजन भी, है ना, प्रलय और सृजन सभी पलते हैं कहाँ पर? शिव जी के पास। तो शिव जी के पास पलते हैं तो शिवमंगल सिंह सुमन। बोले प्रलय और सृजन किसकी है, तो आप बता दोगे कि सर ने बताया था कि प्रलय और सृजन तो शिवमंगल जी के पास पलते हैं, है ना, शिव के पास पलते हैं, तो शिवमंगल सिंह सुमन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी हमने कहा किया था मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन की, है ना, अलग अलग रचना इनकी एक ही नाम से है। ठीक है, और ये प्रलय और सृजन 1944 की रचना ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। ठीक है, अगला है ऋतु संहार रंग रूप के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा या फिर नागार्जुन। ऋतु संहार और रंग रूप के रचनाकार कौन हैं? आपको याद रख लेना है, एक छोटा सा कोड है दोस्तों कि ऋतु का रंग रूप रामविलास जैसा है, ऋतु का रंग रूप कैसा है, रामविलास जैसा है, तो ऋतु से आपका बनेगा दोस्तों ऋतु संहार, और रंग रूप से रंग रूप, और किसके जैसा है, रामविलास, तो रचनाकार कौन होंगे, रामविलास शर्मा, यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा ऋतु संहार किसकी रचना है, तो आप बोलोगे कि ऋतु का रंग रूप रामविलास शर्मा जैसा है, है ना, या रामविलास जैसा है, तो ऋतु का रंग रूप तो ऋतु संहार, रंग रूप से रंग रूप, रामविलास से रामविलास शर्मा। ठीक है, अगला है जिजीविषा संतरण और संकल्प के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये प्रगतिवादी रचना है, जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा, संतरण, संकल्प, इनकी रचनाकार कौन है? पंत जी, शिवमंगल सिंह सुमन, महेंद्र भटनागर या फिर नागार्जुन। और आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक याद रखना है कि महेंद्र ने संत बनकर जिजीविषा का संकल्प लिया, संत बनकर जिजीविषा यानी कि जीने का संकल्प लिया, तो किसने लिया, महेंद्र भटनागर ने, इसलिए जिजीविषा, संतरण और संकल्प ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं, महेंद्र भटनागर की हैं, और महेंद्र ने संत बनकर जिजीविषा का संकल्प लिया, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों ये सारे नोट्स आपको ज्वाइन मेंबर यानी कि ज्वाइन ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन मेंबर अवश्य बने चैनल के। ठीक है, अगला है गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, महेंद्र भटनागर या फिर त्रिलोचन। तो गुलाब और बुलबुल के रचनाकार बताना है, गुलाब और बुलबुल ने त्रिलोचन की पूजा की, किसकी पूजा की, गुलाब और बुलबुल ने त्रिलोचन की पूजा की, यानी कि त्रिलोचन की रचना हो जाएंगी गुलाब और बुलबुल। ठीक है, ये एक ही रचना है गुलाब और बुलबुल, और दोस्तों ये त्रिलोचन की रचना है। ठीक है, त्रिलोचन, गुलाब और बुलबुल ने किसकी पूजा की, त्रिलोचन की। ठीक है, अगला है विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, विश्वास बढ़ता गया ये अलग रचना है, पर आंखें नहीं भरी ये अलग है, लेकिन आप पढ़ते हो कि विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, है ना, शिव को देखते देखते दर्शन करते करते विश्वास बढ़ता गया पर दर्शन से दोस्तों आंखें नहीं भरी, आंखें नहीं भरी, ऐसा लगता कि शिव के दर्शन करते ही रहें, तो शिव को देखते देखते विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, ये आपकी ट्रिक है, शिव पर विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, ये दोनों ही रचना शिवमंगल सिंह सुमन की हैं, शिवमंगल सिंह सुमन की, है ना, विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी। ठीक है, तो ये चीज आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। अगला है दोस्तों तुमने कहा था खून और शोले, ये किसकी रचनाएं हैं? अभी तक आपने फ्लैशबैक शैली में
कौन सी रचना पढ़ी होगी दोस्तों, फ्लैशबैक शैली में पढ़ी होगी, उसने कहा था, है ना, उसने कहा था पढ़ी थी, किसकी है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, लेकिन आज आपको तुमने कहा था भी पढ़ना है। तुमने कहा था खून और शोले की रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, महेंद्र भटनागर या फिर नागार्जुन हैं। तब आपका बिल्कुल सही यहां पर आंसर हो जाएगा, तुमने कहा था कि खून और शोले, खून और शोले ये नागार्जुन की रचना है दोस्तों, खून और शोले, है ना, किसने कहा था, नांग ने कहा था, नागार्जुन ने कहा था कि खून और शोले, अभी कम सोया है और शोले, तो तुमने कहा था खून और शोले ये रचनाएं हैं किसकी, नागार्जुन साहब की हैं, ठीक है, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की है, है ना, इन सभी रचनाओं को याद रख लेना है, तुमने कहा था खून और शोले नागार्जुन जी की, ठीक है। बेला और नयपत्य के रचनाकार कौन हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, निराला, महेंद्र भटनागर या फिर नागार्जुन, तो आपको पता है दोस्तों कि बेला हो या नयपत्य हो या कुकुरमुत्ता हो, ये निराला जी की प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं, आपको याद रख लेना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी है, तो आपको पता होगा बेला, नयपत्य, कुकुरमुत्ता, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, और कुकुरमुत्ता के नयपत्य की बेला कैसी है, निराली है, तो कुकुरमुत्ता, नयपत्य और बेला ये तीनों ही रचनाएं निराली से बनेगा आपका निराला, ठीक है, तो निराली है, ये आपकी ट्रिक है कि कुकुरमुत्ता के नयपत्य की बेला निराली है, ठीक है, तो यहां से याद रखेंगे और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पंख और पतवार के रचनाकार कौन है दोस्तों, पंख और पतवार, आपको पता है कि पंख और पतवार दोनों कहाँ चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे, केदारनाथ में जब बाढ़ आई तो या तो पंख चल रहे थे, पंख यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे पंखा से, या फिर नाव की पतवार चल रही थी, कहाँ पर, केदारनाथ में, तो ये दो ही चीज़ें हो रही थी, बाकी और कुछ नहीं हो रहा था, पंख या तो पतवार, कहाँ, केदारनाथ, तो केदारनाथ अग्रवाल इसकी रचनाएं होंगे। अब कभी भी पूछा जाएगा कि पंख और पतवार के रचनाकार कौन है, तो आप बोलोगे कि पंख चल रहा था या फिर पतवार चल रही थी, कहां पर, केदारनाथ, तो केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। इस प्रकार से कटे अंगूठे के बंधनवार के रचनाकार कौन है, कटे अंगूठे सुमित्रा नंदन पंत की है, निराला, केदारनाथ अग्रवाल या फिर शिव मंगल सिंह सुमन की है। कटे अंगूठे के बंधनवार, और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, अगर आप शिव की भक्ति करते हो तो आपके जो बंधनवार भी हैं वो सारे कट जाएंगे, है ना, कटे अंगूठे के बंधनवार और हम करते करते शिव की भक्ति, ये आपके कट जाएंगे, यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले शिव की भक्ति करते करते कटे अंगूठे के बंधनवार, कटे अंगूठे के बंधनवार शिव मंगल सिंह सुमन। हजार हजार बाहों वाली के रचनाकार कौन है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन। और आपको पता होगा कि हजार हजार बाहों वाला व्यक्ति भी आ जाए लेकिन नांग को नहीं पकड़ पाएगा, किसको नहीं पकड़ पाएगा, नांग को, तो ये रचना किसकी होगी, किसकी होगी। बोले सर हजार बाहों वाली भी आ जाएं तब भी नांग को नहीं पकड़ पाएंगे, तो नागार्जुन की रचना हो जाएगी हजार हजार बाहों वाली, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अजय खंडहर के रचनाकार कौन है, अजय खंडहर बताना है दोस्तों, और चार विकल्प हैं और आपको बताना है कि अजय कौन था, अजय कौन था, सुमित्रा नंदन पंत, राघव थे, केदारनाथ थे या फिर शिव मंगल सिंह सुमन। आपको पता होगा कि जो राघव थे, राघव ये अजय थे, इन्हें जीता नहीं जा सकता था, है ना, राघव से आपका बनेगा रांगे राघव और अजय से अजय खंडहर, अजय खंडहर के रचनाकार कौन होंगे, रांगे राघव, है ना। अब आपसे कभी पूछा जाएगा अजय खंडहर किसकी है, तो बोले सर अजय तो राघव थे, तो राघव को जीता नहीं जा सकता, तो रांगे राघव की रचना है अजय खंडहर। मैं वक्त के हूँ सामने के रचनाकार कौन है, दो सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको उत्तर बताना है। मैं वक्त के हूँ सामने के रचनाकार कौन है, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर या फिर अज्ञे। तो मैंने आपको कई बार याद करवाया हूँ दोस्तों कि वक्त के सामने क्यों खड़े हो गिरजा, वक्त के सामने क्यों खड़े हो गिरजा हो भाई, तो किसकी हो जी, गिरजा, तो गिरजा कुमार माथुर की, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि इसे 1991 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। मैं वक्त के हूँ सामने के लिए गिरजा कुमार माथुर की रचना है और इसे 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लाट का मोर्चा के रचनाकार कौन है। अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और दोस्तों प्लाट के मोर्चे में कोई सियार को उतारोगे कि शेर को उतारोगे, जल्दी से बताना है। प्लाट के, बोले सर बेटा प्लाट के मोर्चे में मैं सियार को नहीं शेर को उतारूंगा, यानी कि प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर, किसकी होगी रचना, शमशेर बहादुर का। अब याद रखना है आपको प्लाट के मोर्चे में सियार को नहीं शेर को उतारना है, तो शमशेर बहादुर यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों गीत फरोश के रचनाकार कौन है। गीत फरोश, 4 विकल्प है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। दोस्तों हमें किसके गीत गाना है, हमें गीत गाना है भवानी के, किसके गीत गाना है, भवानी के गीत गाना है। तो गीत फरोश रचना के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, 1956 की रचना मानी जाती है। और अगला है दोस्तों आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, और 4 विकल्प हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आंगन के द्वार पर कौन खड़े हैं, अज्ञेय खड़े हैं, आंगन के द्वार पर अज्ञेय खड़े हैं और ये रचना अज्ञेय की है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चांद का मोह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। दोस्तों 4 विकल्प हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर व्यक्ति को मुक्ति, व्यक्ति की मुक्ति हो जाए तो उसका जो मोह होता है वो सीधा नहीं रहता, ऐसा हो जाता टेढ़ा, चांद का मोह टेढ़ा, मुक्ति मिल गई तो चांद का मोह टेढ़ा हो जाता है, तो चांद का मोह टेढ़ा ये रचना किसकी होगी, मुक्ति बोध, यानी कि आपका जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। ठंडा लोहा, दोस्तों आपको पता है कि लोहा कितना भी गर्म हो, है ना, कितना भी गर्म हो धर्म के पास आते ही ठंडा हो जाता है ना, लोहा कितना भी गर्म हो धर्म के पास आते ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है लोहा, तो उत्तर आपका सही क्या होगा, धर्मवीर भारती, ये ठंडा लोहा रचना है धर्मवीर भारती, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काठ की घंटियां के रचनाकार कौन है। दोस्तों काठ की घंटियां, अब 4 विकल्प हैं, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अज्ञेय। अब एक चीज बताना, काठ की घंटियां यानी कि बहुवचन में शब्द है, घंटियां यानी बहुत सी घंटियां, अब काठ की घंटियां हैं दोस्तों तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा कि कितनी घंटियां हैं, सर्वे करोगे कि ऐसे ही बता दोगे कि 5 हैं कि 10 हैं, पहले काठ की घंटियां का हमें सर्वे करना है, तो काठ की घंटियां के रचनाकार कौन होंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, कुआनो नदी भी इनकी रचना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी नहीं है, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग भी इन्हीं की रचना है, इनको याद रख लेना है, सिर्फ सर्वे आपको याद करना, सर्वे काठ की घंटियों का सर्वे करना है। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों जब आप जाते हो कहाँ, भवानी के मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में, तो वहां पर इस प्रकार से आपको एक बुनी हुई रस्सी मिलती है ना, हाथ में बांधने के लिए पचरंगा धागा है, बुनी हुई रस्सी आपको भवानी के दरबार में मिलती है, कहाँ मिलती है, भवानी के दरबार में, बोले सर भवानी के दरबार में तो बुनी हुई रस्सी मिलती है, तो ये बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन होंगे, भवानी प्रसाद मिश्र, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगली है दोस्तों महावृक्ष के नीचे 1977 के रचनाकार कौन है। गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। महावृक्ष के नीचे, है ना, हम बोलते नहीं है कि वहां वृक्ष के नीचे कौन सोया है, आप बोलोगे अज्ञेय, पता नहीं, वहां वृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे या फिर वहां वृक्ष के नीचे कौन सोया है, अज्ञेय, पता नहीं, अज्ञेय, तो ये अज्ञेय की रचना है, महावृक्ष के नीचे अज्ञेय। ठीक है, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सपना अभी भी के रचनाकार कौन है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। दोस्तों सपना अभी भी है काय का, धर्म करने का, सपना अभी भी है धर्म करने का, तो धर्मवीर भारती, यानी उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों गुनाहों का देवता, सपना अभी भी है, ठंडा लोहा, ये सारी रचना धर्मवीर भारती की हैं, जिनको हमने ट्रैक से कई बार याद करवाया है, खूंटियों पर टंगे लोग। अब दोस्तों एक चीज बताना,
कि खूंटियों पर टंगे लोगों का हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि खूंटियों पर कितने लोग टंगे हैं। तो खूंटियों पर टंगे लोग का क्या करना है, सर्वे। तो सर्वे सुरदयाल सक्सेना की ये क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला है शिलापंख चमकीले के रचनाकार कौन है। दोस्तों एक पक्षी था, उसने बोला कि मेरे जो शिलापंख थे वो बहुत चमकीले थे, अब क्या हो गए हैं, गिर गए हैं, है ना। आपने जटायु का नाम सुना होगा, बोले मेरे पंख शिला चमकीले थे अब गिर गए हैं, गिर गए, है ना। तो शिलापंख चमकीले ये किसकी रचना होगी, गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कामायनी एक पुनर्विचार की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि कामायनी एक पुनर्विचार, और बहुत सारे लोग मुक्ति के लिए कहते हैं मुक्ति मिल जाए भगवान एक बार पुनर्विचार कर लो, है ना। कामायनी पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, काय के लिए, मुक्ति के लिए एक पुनर्विचार। तो मुक्ति बोध की रचना हो जाएगी कामायनी एक पुनर्विचार। चांद का मोह टेढ़ा भी इन्हीं की रचना है, ये आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों दोआब की रचनाकार कौन है। दोआब चार विकल्प हैं, और दोआब के जो रचनाकार होंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर यानी सा नंबर, है ना। दोआब भी इन्हीं की रचना है, प्लाट का मोर्चा भी इन्हीं की रचना है, और शमशेर बहादुर को दोस्तों कवियों का कवि कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन बनता है कवियों का कवि किसे कहा जाता था, तो आप बता देना शमशेर बहादुर को। ठीक है, खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन है। दोस्तों खुशबू के शिलालेख, है ना, किसने देखे, भवानी ने देखे। खुशबू के शिलालेख भवानी ने देखे, तो खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन होंगे, कौन हो जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, खुशबू के शिलालेख किसने देखे, भवानी ने, तो भवानी प्रसाद मिश्र खुशबू के शिलालेख। ठीक है, अगली रचना है दोस्तों भग्नदूत के रचनाकार कौन है। भग्नदूत, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने दूत भग गए, भग्नदूत यानी कि भग्न तो भग गए, दूत भग गए, है ना, तो कितने दूत भग गए, तो आप बोलोगे सर अग्गे पता नहीं कितने दूत भग गए, है ना। तो ए, है ना, ए हो जाएगी अग्गे की रचना भग्नदूत। ठीक है, अगला है भूरी भूरी खाक धूल की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए तो उसकी ये जो भूरी भूरी भूरा भूरा शरीर है ये सब खाक धूल में मिल जाता है। भूरा भूरा शरीर खाक धूल में मिल जाता है जब मुक्ति मिल जाए, तो ये भूरी भूरी खाक धूल रचना के रचनाकार कौन होंगे, कौन हो जाएंगे, मुक्ति, क्योंकि मुक्ति मिल जाए तो भूरी भूरी खाक धूल, है ना। अगला है दोस्तों धूप के धान के रचनाकार कौन है। और धूप के धान आपको पता है दोस्तों, आप अगर गांव में रहते हैं तो धान अगर अच्छी बारिश हो जाए और मिट्टी बहुत ऐसी हो जाती, बहुत पानी हो जाता है मिट्टी में, तो धान गिर जाती है, धान क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो धूप के धान, धान बोले सर गिर जाती है, तो गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है जंगल का दर्द की रचनाकार कौन है। अब दोस्तों एक बात बताना, जंगल में बहुत सारे पौधे हैं, और जंगल का दर्द आपको कैसे पता चलेगा, कैसे चलेगा, जब आप क्या करोगे, सर्वे करोगे। बोले सर जब हम सर्वे करने जाएंगे जंगल का दर्द क्या क्या है, है ना, तभी हमें जंगल का दर्द पता चलेगा। तो जंगल का दर्द की रचनाकार कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सा नंबर, है ना। जंगल का दर्द सर्वे करना है, जंगल के दर्द का क्या करना है, सर्वे, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कितनी नाव में कितनी बार की रचनाकार कौन है। दोस्तों अब आप बोलोगे सर मैं कितनी नाव में कितनी बार बैठा, सब अज्ञे है, क्या है, अज्ञे, कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे, तो अज्ञे यानी कि दा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इसका दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप में के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं आपके पास, 2 सेकंड में उत्तर आपको बताना होता है। और मैंने आपको कई बार याद करवाया है दोस्तों कि बोले सर सीढ़ियों पर धूप में क्यों खड़े हो, तो कहा कि मैं खड़ा हूं मेरी तो रघुवीर सहाय करते हैं, क्या करते हैं, रघुवीर सहाय करते, मैं सीढ़ियों पर धूप में खड़ा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो रघुवीर सहाय करते हैं। तो इसके रचनाकार कौन होंगे, रघुवीर सहाय करते हैं, बोले सीढ़ियों पर धूप में खड़े हैं तो रघुवीर सहाय करते हैं, तो रघुवीर सहाय की रचना हो जाएगी, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका संशय की एक रात के रचनाकार कौन है। कई बार एग्जाम में पूछी गई दोस्तों, चार विकल्प दो सेकंड में आपको उत्तर करके चयन करके बताना है। फिर मैं आपको बता देता हूं कि संशय की एक रात में, संशय की एक रात में नरेश मेहता आए, संशय की एक रात में नरेश मेहता आए, ये आपकी ट्रिक है याद करने की। तो संशय की एक रात ये नरेश मेहता की रचना हो जाएगी, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संशय की एक रात में नरेश मेहता आए, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों हम तुम की रचनाकार कौन है। हम तुम चार विकल्प हैं, चार में से आपको चयन करना है। और मैं आपको बता दूं, एक गाना आपने सुना होगा, हम तुम एक एक कमरे में बंद हो, सुना है ना। तो दोस्तों क्या कुंवर लोग, आजकल के जो कुंवर लोग हैं, कुंवर वो चाहते हैं कि हम तुम एक कमरे में बंद हो। तो यहां पर रचना है आपकी हम तुम, और कौन चाहते हैं, कुंवर लोग, तो कुंवर नारायण की हो जाएगी, कुंवर नारायण, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद करने का माध्यम है, ठीक है, कि आपको याद रहे, तो डी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों संसद से सड़क तक की रचनाकार कौन है। बोले सर संसद से सड़क तक धूल ही धूल मिलेगी, धूल मिलेगी, क्या मिलेगी, धूल मिलेगी, तो धूल मिल, इस प्रकार से धूल मिल, संसद से सड़क तक धूल मिल, तो धूल मिल की रचना है सुदामा पांडे धूल मिल की, है ना। बोले सर संसद से सड़क तक धूल ही धूल मिलेगी, धूल मिल, धूमिल, ठीक है, धूमिल साहब, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, धूमिल साहब हो जाएंगे इसके। अगला है मृग और तृष्णा की रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं दोस्तों, मृग की तृष्णा किसे हो गई थी। बोले भगवान श्री राम को, हरि को, है ना, उसे हरि बोलेंगे, उन्हें मृग की तृष्णा हो गई, वो मृग के पीछे पीछे भाग रहे थे। चित्र में देखो तो मृग तृष्णा हो गई थी हरि को, भगवान को, श्री राम को, है ना, तो हरि को हो गई, तो हरिनारायण व्यास, हरिनारायण व्यास, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बोले हरि को क्या हो गई थी, मृग की तृष्णा, तो हरिनारायण व्यास की ये रचना है, बहुत ही बढ़िया रचना मानी जाती है और पूछी भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य का स्वागत की रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं दोस्तों, आपको उत्तर बताना है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर बताना है। सूर्य का स्वागत कौन कर रहा है, रवि रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, सुदामा पांडे धूमिल, ये दुष्यंत कुमार दो जगह है, तो आप दो में से एक कौन कोई भी उत्तर बता देंगे कि सर सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार करेंगे, कौन करेंगे सूर्य का स्वागत, दुष्यंत कुमार, ठीक है। दोस्तों जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ आदि स्टडी मटेरियल प्रेषित किया जाता है। आपका कमेंट जो है सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं, आपको तिरंगा इमोजी भी दिया जाता है, ठीक है। तो सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना हो जाएगी। जागते रहो की रचनाकार कौन है। आपने देखा होगा भारत में जो पहरा देते हैं वो कहते हैं जागते रहो, कहां पर, भारत में, तो कौन होंगे, भारत भूषण अग्रवाल। बोले सर भारत में जो पहरा देते हैं वो बोलते हैं जागते रहो, कहां पर, भारत में, तो भारत भूषण अग्रवाल की रचना होगी, कौन सी, जागते रहो, ठीक है। अब आपसे कभी पूछा जाएगा कि जागते रहो की रचनाकार कौन है, आप बोलना कि जागते रहो पहरा देते हैं भारत में, है ना, तो ये बोलते हैं जागते रहो, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है आत्महत्या के विरुद्ध की रचनाकार कौन है। आत्महत्या के विरुद्ध, तो दोस्तों आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय नहीं करेंगे, है ना, सहाय, रघुवीर सहाय, बोले आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय करते हैं, आत्महत्या के पक्ष में नहीं करते, ठीक है। तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो इसको याद रख लेना, ए नंबर, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, धूप में, है ना, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय, इनको याद करेंगे, ये पूछी जाती रचना। परिवेश के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा कि राजा महाराजाओं के पास कुंवर होते थे, बोले कुंवर हुए हैं, है ना, कुंवर हुए हैं, तो वो कुंवर को बहुत अच्छा परिवेश देते थे, क्या देते थे, परिवेश, किसको, कुंवर को, कुंवर को राजा महाराजा परिवेश देते थे, तो रचना परिवेश किसकी हो जाएगी, किसकी होगी, कुंवर नारायण की, किसकी, कुंवर नारायण की, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले कुंवर का परिवेश, कुंवर का परिवेश, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों मछली घर के रचनाकार कौन है। आपने पढ़ा होगा पहले कि बोले मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बच्चे पढ़ते ना, अपन ने भी पढ़ा है बहुत। और मछली की रचना, मछली घर के जो रचनाकार हैं, और इसको याद करने की ट्रिक है,
मछली घर में विजय देव पकड़े गए, कौन पकड़े गए, विजय देव पकड़े गए, तो मछली घर रचना हो जाएगी विजय देव नारायण शाही। मछली घर में विजय देव पकड़े गए तो विजय देव नारायण शाही, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डी नंबर। अगला है दोस्तों आपको चांदनी और चुनर की रचनाकार कौन है, 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन है चांदनी और चुनर, शकुंत माथुर, शकुंत माथुर यानी कि शकुंत माथुर ने चांदनी की चुनर ओढ़ी, किसने, शकुंत माथुर ने चांदनी की चुनर ओढ़ी, तो चांदनी और चुनर की रचनाकार होंगे शकुंत माथुर, इस प्रकार से याद रखेंगे। क्या बोलोगे अब कि शकुंत माथुर ने चांदनी की चुनर ओढ़ी, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है नाव के पांव के रचनाकार कौन है, दोस्तों आपने देखे नाव के पांव, बोले सर नहीं देखे, तो ये किसने काट दिए, जगदीश ने, कोई जगदीश नाम का लड़का है उसने नाव के पांव काट दिए, बोले सर जगदीश ने नाव के पांव काट दिए, तो क्या हो जाएंगे, नाव के पांव के रचनाकार होंगे जगदीश गुप्त, कौन होंगे, जगदीश गुप्त, किसने काट दिए नाव के पांव, जगदीश ने, ठीक है, तो नाव के पांव रचना किसकी होगी, जगदीश गुप्त की हो जाएगी, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मुक्ति प्रसंग कंकावती के रचनाकार कौन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और मुक्ति प्रसंग और कंकावती ये दो रचनाएं हैं, और ये दो रचनाएं किसकी हैं, तो वो हैं राजकमल चौधरी, राजकमल चौधरी की मुक्ति का प्रसंग कंकावती से पूछो, है ना, राजकमल की मुक्ति का प्रसंग किससे पूछो, कंकावती से, तो राजकमल से हो जाएगा आपका राजकमल चौधरी, मुक्ति से हो जाएगा मुक्ति प्रसंग, कंकावती से कंकावती, तो राजकमल की मुक्ति का जो प्रसंग है वो किससे पूछो, कंकावती से पूछो, मुक्ति का प्रसंग कंकावती से पूछो, किसकी, राजकमल की, ठीक है, तो राजकमल चौधरी। अगला है दोस्तों बांसुरी जल गई की रचनाकार कौन है, बांसुरी जल गई और जलकर क्या हो जाएगी, धूल में मिल गई, बांसुरी जल गई और धूल में मिल गई, तो कौन होंगे रचनाकार, धूल में मिल गई तो धूमिल, है ना, धूमे मिल, बांसुरी जल गई धूल में मिल गई तो धूमिल, याद रख लेना इस प्रकार से, बोले सर बांसुरी जल गई धूल में मिल गई यानी कि धूमिल, पांडे धूमिल, ठीक है, संसद से सड़क तक धूमिल ही धू 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 ही मिलेगी, धूमिल, संसद से सड़क तक धूमिल, बांसुरी जल गई धू में मिल गई, है ना, तो धूमिल, इस प्रकार से। अगला देखो अनुपस्थित लोग के रचनाकार कौन है, अनुपस्थित लोग, आपको पता है दोस्तों भारत के लोग बहुत अनुपस्थित होते हैं, आज के वीडियो में भी बहुत सारे लोग भारत के जो हैं अपने वो सब अनुपस्थित हैं, है ना, तो अनुपस्थित लोग कहाँ के होते हैं, भारत के वो होते हैं सर, तो भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, है ना, क्योंकि भारत के लोग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो भारत से भारत भूषण अग्रवाल की रचना हो जाएगी अनुपस्थित लोग, ठीक है। अगला है दोस्तों उठे बादल झुके बादल, उठे बादल और झुके बादल का हमें क्या नापना है, व्यास, उठे बादल और झुके बादल का व्यास नापना है, तो इसके रचनाकार कौन होंगे, हरि नारायण व्यास। अब मैं आपसे कहूंगा कि उठे बादल और झुके बादल का व्यास नाप कराओ, तो आप व्यास नाप कराओगे, बोले सर हरि नारायण व्यास, उठे बादल झुके बादल, ठीक है, इस प्रकार से, और उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला है कुमानो नदी की रचनाकार कौन है, कुमार नारायण, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या फिर भारत भूषण अग्रवाल। कुमानो नदी, कुआं और नदी का क्या करके आओ, सर्वे करके आओ, मैंने कहा कि अपने क्षेत्र में अपने राज्य में कितने कुआं हैं, कितनी नदी हैं, सर्वे करके आओ, तो कुआनो नदी किसकी हो जाएगी, सर्वे करके आओ, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियां है ना, कुठियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द और कुआनो नदी, ये पूछी जाती हमेशा, इनको याद रख लेना है, तो है ना, कौन कौन सा, जंगल का दर्द, काट की घंटियां, ठीक है, और एक और है दोस्तों खूंटियों पर टंगे लोग, ये रचनाएं हमेशा आती हैं सर्वेश्वर दयाल सकनी की, बकरी भी इन्हीं की है दोस्तों, एक बकरी रचना है बकरी, ठीक है। माया दर्पण के रचनाकार कौन है, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, या फिर भारत भूषण अग्रवाल। माया दर्पण है ना, बोले सर माया के दर्पण में श्रीकांत वर्मा बन गए, है ना, माया के दर्पण में श्रीकांत वर्मा बन गए, याद रख लेना है आप, माया के दर्पण में श्रीकांत वर्मा बन गए, वर्मा बन गए, तो श्रीकांत वर्मा की रचना हो जाएगी कौन सी, माया दर्पण, माया के
दर्पण में श्रीकांत वर्मा बन गए, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है। दोस्तों यहां पर जो विकल्प दिए हैं इन विकल्प के अनुसार बताना है, नहीं तो अमृतलाल लांगर की भी रचना मिट्टी की बारात, शिवमंगल से सुमन की रचना भी मिट्टी की बारात है, और मिट्टी की बारात किसकी है, त्रिलोचन, त्रिलोचन की है। और त्रिलोचन आपको पता है शंकर जी को त्रिनेत्र कहा जाता है, त्रिनेत्र जिनके तीन लोचन है उन्हें त्रिनेत्र भी कहा जाता है, और शिव भी आता है शिव, तो शिव से शिवमंगल से सुमन की है मिट्टी की बारात, और यहां पर त्रिलोचन आ रहा है तो त्रिलोचन की भी मिट्टी की बारात है, इसको याद रख लेंगे, यानी कि आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला दोस्तों, बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, ये कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कोई भिखारी बोलेगा कि राजा बोलेगा, है ना। राजा कुर्सी पर बैठता है ऊंचे और बोलता है कि बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, तो बोलने दो चीड़ को बोला है नरेश, कौन बोला है, नरेश बोला है, तो नरेश मेहता है ना, कोई नरेश है और वो बोल रहा है कुर्सी पर, ऊंची कुर्सी पर बैठा है, बोला बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता, बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पतंग अनंत में की रचनाकार कौन है, एक पतंग अनंत में। और दोस्तों आपको पता है कि जो वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी एक कैसे थे, एक पतंग थे, है ना, पूरे भारत में उनका क्या था, वर्चस्व था, पूरे विश्व में था, ठीक है। और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले क्या हिंदी में भाषण भी दिया था, तो एक पतंग थे वाजपेयी जी जो कहाँ चले गए, अनंत में चले गए, अनंत में, ठीक है। तो एक पतंग अनंत में कौन, वाजपेयी यानी कि अशोक वाजपेयी, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, अशोक वाजपेयी। ज्ञात से अज्ञात की ओर हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो आपको प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है, कागज के फूल किसकी रचना है, कुंवर नारायण की, दुष्यंत कुमार की, अशोक वाजपेयी या फिर भारत भूषण अग्रवाल की। ये चार रचनाएं हैं, चार विकल्प हैं, इनमें से आपको चयन करके बताना है कि ये रचना किसकी है। ये विकल्प दोस्तों आपको कमेंट में करना है, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी को ये चैलेंज प्रश्न का उत्तर बताना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और ज्वाइन मेंबर अवश्य बनना है, जो बन सकते हैं वो ज्वाइन मेंबर जरूर बने, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो 9098609291 इससे आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।